कल हमने कौन कौन सा टॉपिक किया है? बेसिक टैक्स कैलकुलेशन देख लिया, ठीक है, देन हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, आईओएस, ठीक है, ओके। अभी स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे दो टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं, एक सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग प्रोविजन, ठीक है, इसको फटाफट निपटा देते हैं। ध्यान से देखिए, सेट ऑफ, हाँ रख लो, ऑफ लॉसेस, ध्यान से सुनिएगा, फटाफट निपटाना है इसको, सेट ऑफ। सेक्शन 70 है जो कि क्या करता है, एक मिनट वेट कीजिए सर, दो मिनट वेट कीजिए। सेक्शन 70 जो है वो क्या बोलता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट, सॉरी इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, क्या बोलता है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, मतलब कि अगर कोई हेड है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी हेड है, उसमें अगर ए हाउस है, बी हाउस है, सी हाउस है, तो अगर एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है, किसी और में प्रॉफिट है, तो ये आपस में जो ये लॉस एडजस्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो सेक्शन 70 बोलता है भाई इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है, आप कर लीजिए, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं, हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना, वो किससे एडजस्ट हो सकता है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, उसी हेड में एक शॉर्ट टर्म बैठा हुआ है गेन, उससे एडजस्ट नहीं हो सकता, तो रेस्ट्रिक्शन है ना जी। नॉर्मल नियम क्या है कि इंटर सोर्स मतलब एक ही हेड के अंदर आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन ये क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, बिजनेस है, पीजीपीपी हेड में चार्ज होगी इसकी इनकम, लेकिन अगर लॉस हो गया तो पीजीपीपी हेड के किसी भी सोर्स से नॉर्मल बिजनेस एडजस्ट नहीं हो सकता। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस केवल किससे एडजस्ट हो सकता है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। और फिर एक्सेप्शन है, हाँ जी, पता है किसी को, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ये क्या चीज इनकम होती है, आइए सर, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, एक्चुअली में रेस कोर्स में जो हॉर्स के ओनर होते हैं ना, उनकी जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में चार्ज होती है। रेस कोर्स में जो लोग पैसे लगाते हैं ना, उनकी इनकम विनिंग कैजुअल इनकम है, वो भी अदर सोर्स में चार्ज होती है, समझना। रेस कोर्स में जो लोग विनिंग के लिए पैसे लगाते हैं, बेटिंग करते हैं, उन लोगों की जो इनकम होती है वो भी अदर सोर्स में चार्ज होती है, बट वो कैजुअल इनकम है। लेकिन जो हॉर्स के ओनर होते हैं उनकी जो इनकम है कैजुअल इनकम नहीं है, वो भले अदर सोर्स में चार्ज होती है और नॉर्मल रेट से चार्जेबल है वो। तो इस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो गया आईओएस में चार्ज होगा, और लॉस हो गया तो एच अदर सोर्स का ही आइटम है, तो अदर सोर्स से किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा क्या, नहीं। इस सोर्स से अगर कोई लॉस हो गया तो इसको एडजस्ट करने के लिए एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी के प्रॉफिट चाहिए एडजस्ट करने के लिए, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हो गया, एक्टिविटी का लॉस हो गया, और एक एक्सेप्शन है 35AD बिजनेस, हाँ जी, क्या है, 35AD बिजनेस, 35AD बिजनेस मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस, जो सेक्शन 35AD ऑफ पीजीबीपी में जिन बिजनेस पे पूरे के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमको डिडक्शन मिल जाती है, लाइक 100 बेड हॉस्पिटल वाला बिजनेस, वेयर हाउस वाला काम है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो इन बिजनेस पे पूरे के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता, तो ये वाले जो बिजनेस से अगर लॉस हो गया तो ये पीजीबीपी के किसी भी दूसरे सोर्स से एडजस्ट नहीं होगा, इसके लिए प्रॉफिट चाहिए यही वाला,
पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एक्सेप्शंस हैं भाई, और एक जनरल एक्सेप्शन तो है ही कि अगर कोई एग्जेम्प्ट सोर्स है, सोर्स ही एग्जेम्प्ट है जिसका, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. अब मेरे को पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है मेरे हैंड में क्या है? एग्जेम्प्ट है. एचयूएफ से जो मेरे को प्रॉफिट मिलता है मेरे हैंड में क्या है? एग्जेम्प्ट है. क्यों एग्जेम्प्ट है भैया? फर्म और एचयूएफ टैक्स दे रहे हैं ना. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस सोर्स से, अब फर्म से मेरे को प्रॉफिट मिला मेरे हैंड में क्या है? एग्जेम्प्ट. लेकिन फर्म से क्या लॉस नहीं हो सकता? तो फर्म से लॉस होगा तो लॉस का जो हिस्सा मिलेगा तो क्या उस लॉस को मैं एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सोर्स से लॉस हुआ है जिसमें अगर प्रॉफिट भी होता तो भी टैक्स नहीं लगता, तो लॉस को एडजस्ट करने नहीं देंगे. तो ये जनरल पॉइंट छोड़ दिया है, पर नहीं लिख रहा हूं मैं लॉस फ्रॉम, इसको अलग से लिख देता हूं मैं. कैसे सोर्स? एग्जेम्प्ट सोर्स. एग्जेम्प्ट सोर्स से जो लॉस है वो कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट में भी टैक्स नहीं लगाते. और एक है कैजुअल, कैजुअल इनकम में कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता. दो एक जनरल पॉइंट को ऊपर ही लिख दिया हूं मैंने. पॉइंट समझ में आ रहा है? विनिंग इनकम में कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, और कैजुअल विनिंग, विनिंग एरिया से कोई लॉस हो सकता है क्या? वेट कीजिए, कोई लॉस हो सकता है क्या? हाँ जी, कोई लॉस हो सकता है इससे? नहीं हो सकता, क्योंकि इस सोर्स में एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं होता. अगर आपने 500 रुपए की लॉटरी खरीदी और 2000 रुपए की लॉटरी लग गई आपकी, तो कायदे से इनकम 1500 हुई है एक्चुअली, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 58, अदर सोर्स का सेक्शन 58 उस एक्सपेंडिचर को अलाउ ही नहीं करता. तो इनकम टैक्स के नजरिए से देखेंगे तो जब एक्सपेंडिचर ही नहीं है तो 2000 की इनकम, 500 का लॉस, तो 500 का एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? इनकम भी, टैक्सेबल इनकम भी 2000 बनती है. और अगर टैक्स, अगर मान लो कोई लॉटरी लगी ही नहीं तो इनकम जीरो, एक्सपेंडिचर भी जीरो. तो या तो लॉटरी की इनकम लगेगी या नहीं लगेगी, एक्सपेंडिचर तो अलाउ करता ही नहीं ना इनकम टैक्स. तो क्या इस सोर्स में, विनिंग सोर्स से, कैजुअल सोर्स से क्या कभी लॉस हो सकता है इनकम टैक्स के हिसाब से? एक्चुअली तो हो सकता है, नहीं हो सकता. भले हम पढ़ लें कि भाई सोर्स के लॉस को कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकली लॉस इनकम टैक्स के आधार पर कैलकुलेट ही नहीं होता. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सम यूनिक पॉइंट. तो समझना कि एक्चुअली में जो कैजुअल सोर्स होता है ना, या विनिंग जो सोर्स होता है, कुछ भी बोलते हैं आप, इसमें एक्चुअली जो लॉस है वो कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे लॉस एक्चुअली इनकम टैक्स की नजर में पॉसिबल नहीं है. क्यों? आप सेक्शन 58 का रेफरेंस ले लेना भाई. व्हाट इज सेक्शन 58? कौन से हेड का है ये? आईओएस का. ध्यान रखना, जो पॉइंट आपको ज्यादा अपील नहीं कर रहे, अटेंशन दे रहे, तो उसका, उससे टेंशन नहीं लेना है, उसको आपको नोट कर लेना, उसमें वर्किंग करना है. और फिर भी डाउट रहता है तो आपको आस पड़ोस में फ्रेंड से, टीचर से मदद लेनी है, और जो समझ में आ रहा है उसको रिवाइज कीजिए. हाँ जी, तो ये क्या कॉमन पॉइंट समझ में आ रहे हैं? क्या क्या कॉमन पॉइंट है भैया? देखो, एग्जेम सोर्स का लॉस कभी किसी से एडजस्ट नहीं होगा, कैजुअल इनकम जो है उसमें से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा, और कैजुअल सोर्स से कभी लॉस एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं, इसलिए एडजस्ट नहीं होगा. छोड़ दीजिए, सेक्शन 70 में क्या लिखा है? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट आर पॉसिबल एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स, एंड 35AD बिजनेस लॉस. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताइए कि क्या अगर मेरे पास 35AD बिजनेस से अगर प्रॉफिट है, तो क्या इस प्रॉफिट से मैं नॉर्मल बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं क्या? Yes, हाँ जी. Yes, बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितने प्रोहिबिशन है सब इसके लॉस के लिए है. यहां पर लॉस जो है 35AD में लॉस नहीं है, प्रॉफिट. यही वाली मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल जनरेट किया. रुकावट किसके लिए यहां पर? केवल लॉस के लिए. तो सेक्शन 70 इज फॉर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट. और अगर कोई लॉस इंटर सोर्स एडजस्ट नहीं हो पाता तो आप उस लॉस को नॉर्मली दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, और यह लिखा है सेक्शन 71. समझ में आ रही बात? तो कहां लिखा है? सेक्शन 71. सेक्शन 71 में लिखा है कि कोई भी लॉस अगर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं हो पाए तो उसको दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. तो ये है इंटर हेड एडजस्टमेंट. पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अब इसकी एक्सेप्शंस क्या है?
पहली एक्सेप्शन अगर मैं लिखूं तो सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, ये जितने भी लॉस आपने ऊपर लॉसेस ऑफ सेक्शन 70 पढ़े वो तो होगा ही होगा, सोच के देखो, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, लॉस ऑफ एक्टिविटी, ये जब इसी हेड में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं खुद के हेड में तो दूसरे हेड में एडजस्ट होने का सवाल ही नहीं होता, इसको याद करना बड़ा आसान है। इसके अलावा है कैपिटल गेन हेड में, चाहे आपको लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, कोई भी लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। और है हमारे पास पीजीबीपी हेड का जो लॉस है वो सैलरी हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। और है हमारे पास, बताइए, एचपी हेड का जो लॉस है वो किसी भी हेड से केवल 2 लाख रुपए की लिमिट तक ही एडजस्ट हो सकता है। यार रिकॉल हुआ क्या पॉइंट? ठीक है, दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस। एंड एक बार ये लॉस इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गया तो अच्छी बात है, और अगर एडजस्ट नहीं हो पाया कोई भी कारण से हो सकता है तो फिर उस लॉस को क्या करना है आपको, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सेक्शन 70 क्या हो गया, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, और एक बार इसे भी एडजस्ट नहीं हो पाया तो यू शुड कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। और इसको कैरी फॉरवर्ड करने का जो रूल है, जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अलग अलग सेक्शन है इसमें, बट मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसका जो सबसे पहला गोल्डन रूल है वो है सेम हेड। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? मेरे को बताइए कि एचपी हेड का लॉस, इस साल का एचपी हेड का लॉस क्या सैलरी से एडजस्ट हो सकता है? आंसर यस। क्या पीजीबीपी से एडजस्ट हो सकता है? यस। मतलब एचपी हेड का लॉस ठीक है रेस्ट्रिक्शन है लेकिन किसी से भी एडजस्ट हो सकता है ना, लेकिन जब मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा ना तो केवल एचपी हेड से एडजस्ट होगा। वंस अ लॉस इज कैरी फॉरवर्ड तो उसको सेम हेड मेंटेन करना पड़ेगा, और सेक्शन 70 में जो यूनिक लॉस दिया ना चार, उसको तो सेम हेड के साथ साथ सेम सोर्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रही बात? तो गोल्डन रूल क्या है, सेम क्या है गोल्डन रूल, सेम हेड एंड फॉर लॉसेस ऑफ सेक्शन 70 क्या लिखूं, सेम सोर्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, सेम सोर्स का एग्जाम्पल, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो सेम हेड ही नहीं चलेगा, उसको सेम सोर्स चाहिए। पॉइंट क्लियर है यहां पर? ठीक है। और दूसरा जो रूल है, कितने साल तक भाई सेम हेड में या सेम सोर्स में जाएंगे, तो जनरली देखना 8 साल का समय दिया है, तो मैं लिखता हूं नॉर्मली जो है वो है 8 ईयर्स, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, नॉर्मली 8 साल है, लेकिन 4 साल का समय दिया गया है स्पेकुलेशन लॉस को एंड एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स को, 4 साल का समय, और अनलिमिटेड टाइम दिया गया है 35 AD बिजनेस के लॉस को और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू द कंपनी एसएससी, मतलब अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस। ये समझ में आया कि नहीं आया, बात करते हैं इसमें। तो नॉर्मली कितना साल दिया है, 8 साल, लेकिन 2 केस में स्पेकुलेशन लॉस और एक्टिविटी के लॉस के कितना टाइम दिया है, 4 साल दिया है, ठीक है भाई, और 35 AD और अनएब्सॉर्ब 3 लॉसेस के लिए अनलिमिटेड टाइम। क्लियर है पॉइंट? और ये जो लिखा है ना मैंने सेम हेड होना चाहिए, ये सेम हेड वाली रेस्ट्रिक्शंस इस अनएब्सॉर्ब लॉसेस के लिए नॉट एप्लीकेबल। कुछ समझ में आ रही बात? मतलब अनएब्सॉर्ब लॉसेस
को जब हम आगे लेके जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में पीजीबीपी से ही करेंगे, बिजनेस से ही निकला ये लॉस। अगर पीजीबीपी से भी नहीं हो पाया तो हम किसी भी हेड से एडजस्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि बिजनेस हेड का लॉस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये सब से बिजनेस का है तो सैलरी से तो एडजस्ट नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा अनअब्सॉर्ब लॉसेस के बारे में आपको पहले बता दूं, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। एक्चुअली ये जो अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस है ना, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो गया या अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च वाला हो गया या अनअब्सॉर्ब्ड आपकी फैमिली प्लानिंग वाला हो गया, ये क्या चीज है? ये पीजीबीपी के सेक्शन से गवर्न होता है। किससे गवर्न होता है? पीजीबीपी के सेक्शन से गवर्न होता है, जैसे डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है एटसेट्रा। पीजीबीपी हेड में, बिजनेस हेड में अगर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को दो भाग में बांटा जाता है। बिजनेस से अगर कोई आपको पीजीबी हेड में लॉस हुआ है तो दो भाग में बांटा जाता है। उस लॉस में इन तीन एक्सपेंडिचर के कारण, कौन सा एक्सपेंडिचर? डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर। फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी खर्च करती है तो वो एक्सपेंडिचर उस कंपनी को एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर पीजीबीपी हेड में अलाउ हो जाता है। पीजीबीपी हेड में हम रिवाइज कर लेंगे, फिलहाल मैंने थोड़ा सा बता दिया। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है तो पूरा अलाउ हो जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है तो 1/5 अलाउ होता है, पांच भाग में अलाउ होता है। और साइंटिफिक रिसर्च का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी पूरा का पूरा अलाउ हो जाता है। तो भैया देखो, इन ये सब पीजीबी पे में अलाउ होने वाली चीजें, डेप्रिसिएशन हो चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर फैमिली प्लानिंग वाला हो, तो आपके बिजनेस में जो लॉस हुआ है ना, उस लॉस में जितना हिस्सा ये वाले लॉसेस उसको अलग कर देते हैं और बाकी को अदर लॉस मानते हैं। क्यों अलग करते हैं भाई? क्योंकि ये अनअब्सॉर्ब्ड के कारण जो लॉस हुआ है, जो इनके कारण लॉस हुआ है, उन लॉस को एडजस्ट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो हेड वाली रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, बट नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये लॉस निकला कहां से? अल्टीमेटली बिजनेस से। और बिजनेस के लॉस को किससे एडजस्ट नहीं कर सकते? सैलरी से। और देखिए, कोई भी लॉस विनिंग से एडजस्ट नहीं होगा तो वैसे भी पता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन वैसे भी नहीं है। तो मैं क्या एक स्टेटमेंट सोच सकता हूं कि अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस, थ्री अनअब्सॉर्ब लॉसेस, समझ में आया क्या? थ्री अनअब्सॉर्ब लॉसेस कैन बी एडजस्टेड, कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड देन एडजस्टेड विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी एंड एक्सेप्ट विनिंग। वी कैन राइट, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइम लिमिट, ये हो गया टोटल आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या क्या हमने सेक्शन देख लिया? हमने सेक्शन देख लिया यहां पर 70 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम 35AD बिजनेस, और इंटर हेड एडजस्टमेंट आर पॉसिबल एक्सेप्ट द अबोव लॉसेस, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम एनी कैपिटल गेन हेड, एक्सेप्ट पीजीबीपी लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विद सैलरी, एंड हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो किसी से भी एडजस्ट कीजिए लेकिन 2,00,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। मान लो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस आ गया 2,30,000, तो कितना एडजस्ट कर पाओगे? तो 30,000 का क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड करके किससे एडजस्ट करोगे? अगले साल हाउस प्रॉपर्टी से करोगे, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई इनकम ही नहीं है तो हाँ जी फर्दर कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल जाकर हेड का मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, इस साल मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी में 5,00,000 का लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 5,00,000 का, तो कितना एडजस्ट हो पाएगा? इनकम है मान लेते हैं 2,00,000, कितना बच गया? क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगले साल किससे एडजस्ट करोगे? कितना कैरी फॉरवर्ड किया? 3,00,000, और अगले साल फिर से 5,00,000 का प्रॉफिट है, अब कितना एडजस्ट होगा? हाँ जी पूरा एडजस्ट होगा। रेस्ट्रिक्शन 2,00,000 की दूसरे हेड में एडजस्ट करने की है, सेम हेड में एडजस्ट करने की नहीं है, इसीलिए बता रहा हूं। कई लोग 2,00,000 बोल रहे थे, ध्यान से सुन लेना, ये एग्जांपल समझ में आया? तो इस साल का अगर
हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को मैं अगले साल ले जाता हूं। देखिए भैया, 2 लाख का जो लिमिट है ना हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड में एडजस्ट करने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेम हेड में एडजस्ट करने के लिए नहीं है। इसी साल मेरे को एक हाउस से 4 लाख का लॉस हुआ, एक ही हाउस से दूसरे हाउस से मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मैं कितना एडजस्ट कर पाऊंगा? पूरा एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आया क्या? तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 71 की है, मतलब दूसरे हेड में एडजस्ट करने की रेस्ट्रिक्शन है, सेम हेड में एडजस्ट करने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां मिस्टेक होगी, ध्यान रखना। लिखा तो है, समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द, समझ में आ रहा है? कोई डाउट ओवरऑल? अगला है, अच्छा इसको बनाना कैसे, आपको फॉर्मेट में ध्यान देना। आप कभी भी इस क्वेश्चन को बनाए 2 कॉलम में बनाइए, 2 तरीका है। पहले कॉलम में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर लीजिए और फिर जो फाइनल इंटर हेड एडजस्टमेंट है बाहर निकालिए, या वर्किंग अंदर कीजिए। जितने वर्किंग नोट है, अगर ज्यादा हो रहे हैं, बिना वर्किंग नोट का आंसर नहीं बनाना इसका। जितने वर्किंग नोट हैं कि आपने इसे एडजस्ट रेस्ट्रिक्शन क्यों किया, इसे एडजस्ट क्यों नहीं किया, इस लॉस को आपने आगे, जैसे हाउस कैपिटल गेन का कोई लॉस है तो आप तो किसी से एडजस्ट नहीं करोगे, सीधा आगे ले जाओगे, तो नोट लिखना है नीचे। द लॉस फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बिकॉज इट कैन नॉट बी एडजस्ट विद एनी अदर हेड एज पर सेक्शन 71। दो ही तो सेक्शन है नोट लिखने के लिए, सोचो ना आप भाई। इंटर सोर्स नहीं करोगे या इंटर हेड नहीं करोगे, कौन सा सेक्शन आएगा? दो ही तो सेक्शन आएगा, चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बिना नोट के नंबर नहीं मिलेगा आपको, आंसर निकालने पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज, बढ़ जाए आगे। तो अगला चैप्टर भी बड़ा छोटा सा चैप्टर है, दैट इज अ क्लबिंग प्रोविजन, जिसको एक्चुअली टेक्निकली हम क्लबिंग प्रोविजन तो बोल देते हैं, बट एक्चुअल उसका नाम है इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। हम किसका असेसमेंट कर रहे हैं? एसएससी का। और एसएससी की इनकम में किसी और की इनकम को आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। अगर मैं क्लबिंग प्रोविजन की बात करूं तो बेसिकली ये डिफाइंड होता है सेक्शन 60, देन सेक्शन 61, देन सेक्शन 62, 63, 64, 65। सुनना एक एक करके। अगर कोई भी एसएससी किसी को कोई इनकम ट्रांसफर कर देता है, मैं ज्यादा थ्योरी पे नहीं ले जाना, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली इसमें ट्रांसफर ऑफ इनकम है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? कोई इनकम। कैसे कोई इनकम ट्रांसफर कर सकता है? देखिए, मिस्टर एक्स है कोई, उसके नाम से कोई हाउस प्रॉपर्टी मान लेते हैं, कोई भी एसेट है, ठीक है, और उसने किसको रेंट पे दे दिया? मिस्टर वाई को रेंट पर दे दिया। तो नेचुरली मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या देगा? रेंट देगा, सही है ना? मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या देगा? रेंट। लेकिन मिस्टर एक्स ने लिखकर मिस्टर वाई को बोल दिया कि रेंट मेरे को मत देना, एक मिस्टर जेड है उसको दे देना। तो वाई को तो अगर ऑथोराइज किया मिस्टर एक्स ने तो कर सकता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इस रेंट इसकी जगह इसको देना शुरू कर दिया। ये हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मिस्टर एक्स। तो क्या अब ओनर मिस्टर जेड बन गया क्या? नहीं, ऐसे ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन इसने अपना अधिकार यूज करके रेंट की शिफ्टिंग, मतलब किसकी शिफ्टिंग कर दी? इनकम। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम। और ये जो रेंट इसको मिल रहा है, इसके बदले में मिस्टर जेड से इसको कुछ मिल नहीं रहा है कि यार मेरा वो काम कर देना या मेरे को एक गुड्स दे देना रेंट में तुमको दिलवा दूंगा, इससे कुछ भी इसको मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है तो बहुत ही इनएडिक्वेट है। तो आपने कोई भी बिना पैसा लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन और विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन किसी को भी इनकम की शिफ्टिंग कर दी, तो यहां पर जो ट्रांसफरर ऑफ इनकम है, कौन है ट्रांसफरर ऑफ इनकम? मिस्टर एक्स। ये इनकम भले ही लीगली मिस्टर जेड को मिल रही क्योंकि उसके पास लेटर है, लेकिन इनकम टैक्स उस मिस्टर जेड की इनकम को किसमें क्लब कर देगा? मिस्टर एक्स में क्लब कर देगा। ये सेक्शन 60, काम खत्म। तो पहला सेक्शन समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? ट्रांसफर ऑफ इनकम
विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, यहां एसेट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इस केस में वो इनकम को हम किसके हैंड में क्लब कर देंगे, ट्रांसफरर के हैंड में। यहां कौन है ट्रांसफरर? एक्स। अच्छा, इनकम एक्चुअली किसको मिल रही है? जेड को। लीगली कौन ओनर है? लीगल ओनर भी जेड ही है, लेकिन ओनर, लेकिन उस इनकम को जेड से एक्स में हम क्या कर रहे हैं? क्लब। अगर लीगल ओनर ही एक्स है तो फिर क्लब करने की जरूरत क्या है? मेरी बात समझ में आ रही बात? अगर लीगल ओनर उसका, अगर मान लो लीगल उस इनकम किसको मिल रही है? एक्स को ही मिल रही है। लीगल वो इनकम किसको मिल रही है? एक्स को। तो फिर क्लब करने की जरूरत ही नहीं है। वो उस इनकम का ओनर कौन है? जेड ही है। बकायदा उसने लिख कर दे दिया कि आज से इनकम तुम्हारी। कब तक? क्या लिख के दिया होगा? आज से इनकम तुम्हारी 5 साल के लिए कि कभी के लिए भी? क्या लिख के दिया होगा? कुछ भी लिख के दे सकता है, क्लबिंग होगी। चाहे वो रिवोकेबल ट्रांसफर हो चाहे इरिवोकेबल ट्रांसफर हो, सेक्शन 60 में इसका कोई मैटर ही नहीं है। अगर मिस्टर एक्स ने ये लिख के दिया है कि आज से इनकम तुम्हारी रख लो और जब मेरी मर्जी होगी मैं वापस ले लूंगा, ये कैसा ट्रांसफर है? रिवोकेबल। या लिख के दे दे ये इनकम आज से तुम्हारी और मैं खुद भी वापस नहीं ले सकता, इसको परमानेंटली तुम्हारी हो गए और मैं लिख के देता हूं, साइन करके दे दिया, ये कैसा ट्रांसफर है? इरिवोकेबल। सेक्शन 60 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर रिवोकेबल और इरिवोकेबल, इसका फर्क पड़ता है सेक्शन 61 में जब आप एसेट ट्रांसफर करते हो। तो ट्रांसफर ऑफ इनकम कैसा ट्रांसफर? रिवोकेबल, इरिवोकेबल, कैसा भी ट्रांसफर। इनकम किसको दे दिया आपने? जेड को। लीगली कोर्ट में ओनर कौन है? जेड। अगर मान लो लेटर में लिख के दे दिया कि आज से तुम्हारी इनकम और कल के दिन पहुंच जाता है भैया पैसे मेरे को दे दो, तो क्या जेड से ले सकता है लीगली? वो नहीं ले सकता। मतलब एक्चुअली इनकम भैया जेड की है ये, फिर भी ये सेक्शन क्या बोलता है? द एससीसी कौन है यहां पर? एक्स। द इनकम ऑफ अदर पर्सन दैट इज जेड विल बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ एसएससीज इनकम। अब बात समझ में आ रही है? ये है सेक्शन 60। फाइनली ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 61। ये है भैया ट्रांसफर ऑफ एसेट। और कैसा ट्रांसफर है यहां पर मालूम है आपको? यहां पर है रिवोकेबल। क्या है? रिवोकेबल। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल मतलब सेक्शन 62 में लिखा हुआ है, 63 में लिखा हुआ है कि ये रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब होता है कि एसेट को कभी भी ट्रांसफरर वापस मंग सकता है। यहां दिया मीनिंग 63 में, कभी भी एसेट को वापस मंग सकता है तो क्या कहलाएगा? रिवोकेबल ट्रांसफर। और अगर ऐसा ट्रांसफर किया कि वो परमानेंटली आज से तुम्हारी एसेट है और कभी भी मैं वापस नहीं लूंगा, वापस लेने का कोई अधिकार ही नहीं डाला उसमें, तो कैसा ट्रांसफर हुआ? इरिवोकेबल। सेक्शन 61, सेक्शन 61 क्या इरिवोकेबल ट्रांसफर की बात कर रहा है? नहीं, इरिवोकेबल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? रिवोकेबल ट्रांसफर। क्योंकि भैया कोई भी इस, देखिए क्लबिंग प्रोविजन क्यों बनाए तो समझ में आता है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपनी इनकम को, एसेट को इधर उधर कई हेड्स में बांट देंगे ताकि इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए? कम। उसी का रेमेडी है ये। तो रिवोकेबल ट्रांसफर अगर आप करते हो तो मैं एग्जांपल यहां से कर रहा हूं। मान लो मिस्टर ए ने अपनी कोई एसेट किसको दे दी? मिस्टर बी को दे दी एसेट। और कैसा ट्रांसफर किया? रिवोकेबल। ठीक है, वापस लेने योग्य, कभी भी ले सकता वापस। इन दैट केस क्या क्लब हो जाएगा मिस्टर एक्स में, मिस्टर ए में? एसेट क्लब हो जाएगी क्या? वेल टैक्स थोड़ी पड़ रहे हो उस एसेट से होने वाली इनकम। तो इस एसेट से जो भी इनकम होगी मेरे को बताइए, लीगली ये इनकम किसको हो रही है? बी को हो रही है। बी की ही इनकम है वो भी, वो लेकिन बी की इनकम को एसएससी की इनकम में क्या कर दिया जाएगा? क्लब कर दिया जाएगा। The income from the asset transfer revocably will be clubbed in hands of transferor of asset. ठीक है, और सेक्शन 62 एक exceptions का काम करता है। सेक्शन 62 में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एसेट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एसेट दिया है और कैसे, क्या लिख के दिया है एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में लिख के दिया है कि इसको बी की लाइफ तक कभी भी वापस नहीं ले सकेगा। एग्रीमेंट में क्या लिखा है? मिस्टर ए ने लिखा है कि ये एसेट बी को दे दिया और एग्रीमेंट में लिख दिया कि
आई विल नॉट रिज्यूम दिस एसेट, मैं वापस नहीं लूंगा जब तक कि तुम जिंदा हो. तो बताइए कि ये एसेट कभी वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो एक प्रकार से तो रिवोकेबल है, कभी नहीं आ सकती तो इरिवोकेबल, और इस क्लॉज में तो कभी ना कभी तो आ सकती है. अगर बी की डेथ हो गई तो ए कभी भी वापस मांग लेगा. ऐसा तो नहीं कि बी की डेथ हुई तो उस प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर के पास जाएगी और लीगल हेयर से वापस मांग सकता है कि नहीं? बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि शर्त केवल बी की लाइफ तक थी. तो ये परमानेंट इरिवोकेबल तो है नहीं. तो कायदे से कैसा एसेट है ये? रिवोकेबल. और रिवोकेबल में क्लबिंग तो होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं होगी जब तक कि भी जिंदा है. समझ रहे हैं बात को? प्रोसेस समझ में आ रही है? तो रिवोकेबल ट्रांसफर में क्लबिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर ये लाइफ टाइम वाली गारंटी दिया है इसने, तो जब तक कि मिस्टर बी की जिंदा है, जब तक इस एसेट की इनकम यहां पर क्लबिंग नहीं होगी. तो वो इनकम लीगली कौन है, किसको हो रही? बी को. और टैक्सेबल भी किसके हैंड में होगी? बी के हैंड में ही होगी. ये एक्सेप्शन दिया है सेक्शन 62 ने. तो अभी तक हमने क्या देख लिया? सेक्शन 60 इज ट्रांसफर ऑफ इनकम. कैसा ट्रांसफर? कैसा भी, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट. तो वो जो इनकम जिसको हो रही है, उसकी इनकम को एसएससी की इनकम में क्या कर दिया जाएगा? क्लब कर दिया जाएगा. अच्छा एक बात बताइए, क्लबिंग कौन से हेड में होती है? रिलेवेंट हेड में होती है, कोई लास्ट में या टोटल इनकम के बाद, ऐसा तो नहीं ना? जिस नेचर की इनकम है उसी नेचर में क्लब होगी. जैसे यहां रेंट की इनकम है, मतलब एचपी हेड है, तो कहां क्लब होगी? एचपी हेड में क्लब होगी. क्लियर है? कैसे होगी थोड़ा सोच के देखो. मान लो उसने रेंट उसको दे रहा है, इसकी भी कुछ हाउस है, तो इसकी हाउस प्रॉपर्टी आप निकाल लेंगे, और वो वाली हाउस प्रॉपर्टी उसको जो रेंट मिल रहा है उसकी भी एचपी हेड निकालेंगे, और फाइनल जो एचपी हेड निकलेगा उसको लाकर जोड़ देंगे, मानेंगे कि इसी का हाउस है या इनकम इसकी है. कैलकुलेशन नॉर्मल होगा एंड द फाइनल इनकम विल बी एडिड. कभी भी क्लबिंग कैसे होती है? टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद क्लब होता है. अब जोड़ रहे हो ना, तो टैक्सेबल इनकम तो जोड़ोगे ना. और टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं? वी नो दैट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो 60 हो गया इनकम का ट्रांसफर, 61 हो गया रिवोकेबल ट्रांसफर, 63 हो गया उसकी डेफिनेशन रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, 62 हो गया क्या हो गया, लाइफ टाइम तक अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है. नाउ कम टू द सेक्शन 64, लास्ट सेक्शन बेसिकली. तो अभी जो सेक्शन 64 है ना, इसकी बात कर लेते हैं अपन. सेक्शन 64, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 64 में 64(1)(a), क्योंकि थोड़ा इजी है. याद आएगा सेक्शन से 64(1)(a)? एनीवन? करेक्ट. माइनर्स इनकम विल बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ पेरेंट्स. तो अगर कभी किसी माइनर को इनकम हुई, माइनर की को इनकम हुई, तो उसको हम किस में जोड़ देंगे? उसके पेरेंट्स में. मान लो मिस्टर ए या मिसेज ए उसके मदर फादर हैं, तो किसी एक में जुड़ेगी. और किस में जुड़ेगी? जिसकी इनकम ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए की इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसमें क्लब होगी. यहां तक समझ में आया? और एक बार ये क्लब हो जाएगी तो जिसमें भी क्लब होगी उसको 1500 रुपए पर चाइल्ड रुपए तक क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में, सेक्शन 10(32). जब भी माइनर की इनकम किसी भी पेरेंट्स में क्लब होती है, एक बच्चे की क्लब हुई तो 1500 रुपए तक, दो हुई तो फिर एक और 1500 रुपए तक, ऐसा 1500 रुपए तक. इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकम ही अगर 1000 क्लब हो रही है तो एग्जेम्पशन 1000 मिलेगी. पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए द इनकम विच इज अबाउट टू क्लब और 1500 विच एवर इज लोअर, उतनी एग्जेम्पशन मिलेगी. समझ में आ रही बात? किसमें क्लब हो रही है? मदर या फादर? जिसकी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है. अगर अगले साल मिसेज ए की इनकम ज्यादा हो गई, तो ईयर वन ईयर टू में मिसेज ए की इनकम मिस्टर ए से ज्यादा हो गई, तो किसमें क्लब होगी अगले साल? हाँ जी, मिस्टर ए में ही क्लब होगी. एक बार अगर किसी में हायर के हिसाब से क्लब हो गई तो फिर हर साल चेक नहीं करना है, चेंज नहीं होगा. लेकिन एसेसिंग ऑफिसर चाहे तो प्रायर नोटिस देकर ऐसा चेंज कर सकता है. समझ रहे बात को? ये थ्योरेटिकल पॉइंट है. लेकिन माइनर की कुछ इनकम क्लब नहीं होगी. कौन सी इनकम?
जो उसने खुद अपने पर्सनल स्किल से कमाया है, ठीक है, और जो इनकम उसने अपने मैनुअल वर्क से कमाया, मेहनत करके कमाया है खुद ही, या फिर कैसी भी इनकम क्लब नहीं होगी अगर वो माइनर सेक्शन 80U में दिए गए पैटर्न के हिसाब से एक हैंडीकैप या डिसेबल पर्सन है। पर्सनल स्किल से मैनुअल वर्क से कमाया है, क्लबिंग नहीं होगी, और या फिर कैसी भी इनकम क्लब नहीं होगी अगर वो माइनर कैसा है, डिसेबल पर्सन है। डिसेबिलिटी की बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन 80U में। इन दो तीन केस में क्लबिंग नहीं होगी तो क्या होगा, तो इनकम पे टैक्स कोई देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। उसका किसका असेसमेंट होगा? माइनर का असेसमेंट होगा। माइनर भी एक एसएससी है, उसका रिटर्न फाइल होगा। ये बात अलग है कि माइनर के जगह साइन कौन करेगा, उसके गार्जियन पेरेंट्स ही करेंगे, मतलब वो एक सेपरेट एसएससी गिना जाएगा और उसकी टोटल इनकम निकलेगी और उस पर बकायदा आपको स्लैब लिमिट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2,50,000 वाली बेसिक लिमिट वाली मिलेगी, ठीक है ना। माइनर वाला प्रोविजन समझ में आया, ठीक है। फिर एक सेक्शन है सेक्शन 64, सेक्शन से याद नहीं आ रहा है तो लोड मत लेना, प्रोविजन ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। फिर एक सेक्शन है सेक्शन 64(1), इसके अंतर्गत पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी इनकम, समझना, अगर कोई कंसर्न है से, कंसर्न मतलब मे बी इट मे बी अ फर्म, फर्म से समझ सकते हैं, ठीक है, और इस कंसर्न में मिस्टर ए हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, मिस्टर ए हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर शेयर इसमें है, इसके प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उसका 20% या ज्यादा। कैसे 20% काउंट करते हैं? मिस्टर ए अलोंग विथ हिज रिलेटिव, अकेला मिस्टर ए के पास ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है मिस्टर ए उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर, उसकी स्पाउस सबके साथ मिलाकर 20% या उससे ज्यादा हो गया तो भी मिस्टर ए को क्या माना जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ए इस फर्म में क्या है, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और इस कंसर्न से अगर उसकी वाइफ को, स्पाउस को कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है जो कि एक लॉजिकल सैलरी नहीं है, लॉजिकल सैलरी का मतलब जो कि मिसेज ए के कंपेटेंसी के आधार पर नहीं दी जा रही, जबरदस्ती दी जा रही है, मतलब उसकी उतना कैलिबर या डिग्री नहीं है या डिग्री ना हो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 5,000 रुपए के लायक भी उसका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसको 25,000 रुपए दिया जा रहा है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जबरदस्ती। और क्यों दिया जा रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा इस फर्म में एक्सपेंडिचर क्लेम हो सके, और जितना एक्सपेंडिचर क्लेम होगा फर्म की टैक्स लाइबिलिटी कम होगी, और टैक्स लाइबिलिटी कम ये क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि इसी की तो फर्म है, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट है उसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इन दैट केस रेम्यूनरेशन मिसेज ए को जो मिल रहा है, ये रेम्यूनरेशन को मिस्टर ए के हैंड में कर दिया जाएगा क्लब, ये दिया सेक्शन 64(1) क्लॉज 2 में, क्लॉज भी लिख दूं तो 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे देखते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखते हैं एसएससी अलोंग विथ हिज रिलेटिव, और रिलेटिव का कॉमन मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है, उसका मतलब होता है स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियली एसेंडेंट और डिसेंडेंट, बस इतना ही होता है। वो रिलेटिव अदर सोर्सेज वाला अलग है, 56(2) वाला, समझ में आ रही बात? तो अगर मान लो इसकी प्रैक्टिस कर ले अपन, तो मिस्टर ए के पास मान लो 15% शेयर है फर्म के, और मिसेस ए के पास मान लो 5% शेयर है, तो बताइए मिस्टर ए सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है या नहीं है? मिसेज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है या नहीं है? है, क्यों नहीं है? मिसेज ए के पास कितना, 5%, इधर से सोचो, और उसके रिलेटिव के पास 15, तो दोनों 20 हो गया ना जी। तो अगर आप असेसमेंट इसका करो चाहे इसका करो, दोनों ही क्या हो गए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर मिसेज ए के पास, मिसेज ए के पास 3% है और इसके ब्रदर के पास, 2% है,
अब मिस्टर ए के सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है क्या? तो मिस्टर ए सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है. क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के रिलेटिव इसकी वाइफ भी है और इसका ब्रदर भी है. तो 15 + 3 + 2. मिसेस ए सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका रिलेटिव में इसका हस्बैंड तो आएगा लेकिन इसके हस्बैंड का ब्रदर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविजन क्या लिखा है? ब्रदर और सिस्टर लिखा है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ नहीं लिखा है. समझ में आ रही बात? ये केस समझ में आ रहा है? अब अगर इस केस को मैं ले लूं, एज्यूम कर लूं, तो एक और सिचुएशन जनरेट होती है कि से देर इज अ फर्म एंड इन दिस फर्म मिस्टर ए एंड मिसेस ए, मान लो मिस्टर ए के पास 15% शेयर है और मिसेस ए के पास 5% शेयर, बोल लीजिए शेयरिंग है इसमें, तो ये भी सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो गया और ये भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया. समझ में आ रही बात? और इन दोनों को ही अगर इससे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दोनों को ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में, और रेम्यूनरेशन लॉजिकल नहीं है, मतलब अगर सही काम के बदले में रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो ये सेक्शन लागू ही नहीं होगा ना. दोनों को जबरदस्ती बिना वर्किंग के या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो इन दैट केस अगर आप इधर से देखोगे तो ये रेम्यूनरेशन इधर क्लब हो जाना चाहिए, और इधर से देखोगे तो ये भी सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, और इसके स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो इधर से ये क्लब हो जाना चाहिए, तो पर्पस तो डिफीट हो जाएगा ना. इधर भी 25,000 दे रहे हैं, इधर भी 25, दोनों 25 को इधर उधर कर दिए, बात तो वही हो गई. इसीलिए नियम बनाया गया कि इस क्लबिंग के पहले जिसकी इनकम ज्यादा रहेगी उधर ही क्लब होगा और दूसरा नहीं होगा. मतलब मिस्टर ए की अगर ऑलरेडी इनकम ज्यादा है तो ये वाली क्लबिंग इधर हो जाएगी और ये उधर नहीं जाएगा, वन साइड क्लबिंग होगी. तो प्रोविजन क्या है? अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड इन अ कंसर्न एंड बोथ इज इन रिसीव्ड ऑफ द रेम्यूनरेशन, इन दैट केस द क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड ऑन मिस्टर ए और मिसेज ए, आइदर पर्सन हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर बिफोर दिस क्लबिंग, उधर ही क्लब होगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 64 में ही यह दिया हुआ है कि अगर 64(1) में ही कि अगर मान लो मिस्टर एक्स है, इसने कोई एसेट ट्रांसफर की, किसको इसने ट्रांसफर की? स्पाउस को या फिर सन्स वाइफ को, मतलब बहू को. समझ में आ रही बात? तो मिस्टर एक्स ने कोई एसेट ट्रांसफर किया है, किसको? या तो स्पाउस को या सन्स वाइफ को. और किस टाइप का ट्रांसफर है? सेक्शन 61 में हम पढ़ रहे थे कि रिवोकेबल ट्रांसफर में ही क्लबिंग होती है, ध्यान है. लेकिन जब ये रिश्तेदारी आ जाएगी तो यहां पर भले ही वो कैसा भी ट्रांसफर करे तो भी क्लबिंग होगी. 61 में हमने पढ़ा था कि रिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो ही क्लबिंग होगी. इसका मतलब इररिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो क्लबिंग होती है क्या? नहीं, लेकिन यहां हो जाएगी, क्योंकि इस केस में इररिवोकेबल ट्रांसफर भी लोग कर देते हैं. तो इन दोनों को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अदर पर्सन को, यह भी केस आ जाएगा. अगर इसने एसेट किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर किया है लेकिन उसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिल रहा है? इन्हीं को मिल रहा है. तो दोनों ही केस में उन एसेट से जो भी इनकम होगी वो इनकम फाइनली हमारा एसएससी जो मिस्टर एक्स है उसके हैंड में क्या हो जाएगी? क्लब. दिस इज अ सेक्शन 64(1) क्लॉज 3 and 6. तो अगर जब आप 61 पढ़ते हैं ना तो उसके साथ आपको ये 64(1) भी पढ़ना चाहिए कायदे से. जब आप बोलते हैं ना 61 में लिखा रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में क्लबिंग होगी, तो उसी समय सोच लेना चाहिए. लेकिन अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर भी इनको किया गया या इनके बेनिफिट को क्लियर किया गया तो भी क्लबिंग हो जाएगी. अगर किसी ने अपने ब्रदर को इररिवोकेबल ट्रांसफर किया एसेट, मिस्टर एक्स ने अपने भाई को इररिवोकेबल एसेट ट्रांसफर किया, तो उस एसेट से होने वाली इनकम
क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. नो प्रोविजन आर देयर. सुनने में लगता है ब्रदर को ट्रांसफर किया, ऐसा प्रोविजन नहीं है. प्रोविजन किसके लिए बनाए? केवल स्पाउस और सन्स वाइफ बस. और उसमें भी नियम यह है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एसेट के ट्रांसफर करते समय और जिस साल क्लबिंग हो रही है दोनों समय एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर ये रिलेशनशिप किसी भी समय में नहीं है तो फिर ये क्लबिंग नहीं होगी. दिस रिलेशनशिप शुड बी एग्जिस्ट बोथ टाइम, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ क्लबिंग. पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अगर इसको थोड़ा सा मैं अदर सोर्स के साथ जोड़ दूं इस मैटर को, तो इसमें क्या होगा सोचो. अगर मान लो मिस्टर एक्स ने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर की, तो उससे होने वाली इनकम क्या हो रही है? इसको थोड़ा हटाता हूं मैं. मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को अगर कोई एसेट ट्रांसफर की, पहले तो एक केस बताता हूं. और एसेट क्या है मैं बताता हूं आपको. एसेट है हाउस. तो इस हाउस से होने वाली जो इनकम है क्या ये यहां पर क्लब होगा? बताइए. हाँ जी, क्लब नहीं होगा क्योंकि क्लब करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हाउस के केस में, बिल्डिंग के केस पे एचपी हेड में सेक्शन 27 में ही लिखा हुआ है कि ओनर ही किसको माना जाएगा? एक्स को. और एक्स को ही ओनर मान लिया तो हाउस की इनकम कैलकुलेट ही यही होगी. तो इनकम ही जब यही चार्ज हो रही है तो फिर वापस ला के चिपकाने की क्या जरूरत है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब आप ये पढ़ते हो 64(1), तो आप वहां पर वर्डिंग पढ़ना, वहां साफ लिखा हुआ है कि अदर देन सेक्शन 27(1) केस. 27 में अगर केस है तो वहां क्या क्लबिंग की नीड है? नहीं है. तो 64(1) में लिखा भी है ऐसा. हां, अगर ये हाउस के अलावा कोई और एसेट ट्रांसफर करता है अदर देन हाउस, तो फिर एचपी हेड का मामला ही खत्म हो जाएगा. उस केस में क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? उस केस में क्लबिंग होगी. ये केस समझ में आ रहा है? तो यू शुड रीड सेक्शन 64(1) विथ सेक्शन 27. जहां 27 लागू हो गया ऑलरेडी, रेमेडी पहले ही हो गई, तो वहां फिर क्लबिंग की जरूरत नहीं है. इसीलिए तो कल हम पढ़ रहे थे कि अगर माइनर मैरिड डॉटर को किसी ने ऐसे ट्रांसफर कर दी तो उस केस में वो ओनर नहीं बन पाएगा, लेकिन रहे तो माइनर. तो माइनर की इनकम को सेक्शन 64(1)(a) के अंतर्गत हम क्या करेंगे? क्लब. और क्लब करेंगे तो 1500 की क्या देंगे वहां पर एग्जेम्पशन. एक साथ पढ़ो इसको, कॉन्फिडेंस आएगा. इसे पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है. जब ऐसे कनेक्शंस आप पढ़ते हो ना, तो यू शुड राइट इट डाउन योर कॉपी या नोट्स में आपको लिखना चाहिए. और कैसे लिखना चाहिए? भाई ये हमने यहां पढ़ा, ये यहां पढ़ा, दोनों में ये कोऑर्डिनेशन है और दोनों के पेज नंबर लिखना चाहिए. ऐसे केस ना 10 भी नहीं है टोटल सिलेबस में मिलाकर, ऐसा लगता है हमको. जब लिखेंगे ना तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा आपको. पढ़ने का तरीका बता रहा हूं. हाँ जी, सुनना फिर केस. मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एक एसेट ट्रांसफर की और वो हाउस नहीं है, अदर एसेट. तो अब बताइए इस एसेट से होने वाली जो इनकम है वो यहां क्लब होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, बिल्कुल सीधा कैसे होगी. ये तो समझ में आ गया. अब ये एसेट क्योंकि मिसेस एक्स को फ्री में मिली है विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या इसके हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल होगा? हाँ जी, 56(2)(10) समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो एसेट इसको मिली, मान लो 25 लाख रुपए की एसेट है ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो क्या इसके हैंड में 25 लाख रुपए की गिफ्ट मिल गया तो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये है रिलेटिव. ऐसा लिखना चाहिए मेरे को, ये है मिसेज एक्स का रिलेटिव. समझ में आ रही बात? पक्का? और अगर ये मिस्टर मिसेज एक्स की जगह इसका ब्रदर होता तो क्या 56(2)(10) एप्लीकेबल होता? तब भी नहीं होता, क्योंकि उसके इसमें भी रिलेटिव. और यहां पर क्लबिंग नहीं होती क्योंकि उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है. अब यही तो बात कर रहे थे, बस दोनों बात को मैं एक साथ कर रहा हूं आपके साथ. समझ में आ रही कि नहीं बात?
क्लबिंग क्यों होगी भैया? क्लबिंग के लिए तो दो ही लोग हैं ना, स्पाउस और सन्स वाइफ, और तो है ही नहीं, वो तो मैंने पहले ही पूछा, आप लोग ने मना किया था। तो अगर ब्रदर को एसेट देते हो तो उसके हैंड में ना तो 56-2-10 के लिए कोई एप्लीकेबिलिटी आएगी और न ही इधर क्लबिंग होगी, लेकिन एसेट भाई को देता कौन है? इसीलिए तो प्रोविजन भी नहीं बनाया। बात समझो आप, वाइफ को दे देते हैं, क्यों? उसको अपना मानते हैं। समझ में आ रही बात? इस एंगल से चेक करिए, क्वेश्चन जनरेट हो सकता है ऐसा। दोनों हैंड में टैक्सेबिलिटी बताइए, 56-10 एंड क्लबिंग प्रोविजन, ठीक है ना? और अगर इसने फ्रेंड को दे दिया तो क्लबिंग होगी कि नहीं होगी पहले तो बताओ। बिल्कुल नहीं होगी क्लबिंग, और 56-10 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना? नाउ द सेक्शन 64-2, अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी एसेट को अपने ही एचयूएफ को ट्रांसफर करता है, एचयूएफ अलग पर्सन है पता है कि नहीं, एचयूएफ को ट्रांसफर करता है, तो उस केस में उस एसेट से अगर कोई इनकम हुई तो वो इनकम उस इंडिविजुअल के हैंड में क्या हो जाएगी? क्लब। ये ध्यान आया प्रोविजन? तो अगर कोई इंडिविजुअल एसेट को कॉमन पूल की प्रॉपर्टी में एचयूएफ की प्रॉपर्टी कर देता लीगली, तो उस एचयूएफ से होने वाली होने वाली इनकम को उस ट्रांसफरर के हैंड में क्लब कर दिया जाएगा। और अगर कहीं उस एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, तो वो एसेट भी बढ़ जाएगी सभी मेंबर में, सही है? तो जितना हिस्सा मिसेस, ये मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए, मिसेस ए को मिला, जितना हिस्सा उस एसेट का मिसेस ए को मिला, उस हिस्से की जो इनकम है वो इनकम मिस्टर ए के हैंड में क्लब होगी, और जो हिस्सा मिस्टर ए को खुद को मिला उसकी इनकम क्लब होगी। हाँ जी, क्लब करने की कोई नीड ही नहीं, क्योंकि वो तो उसी की इनकम है। और जो हिस्सा इसके बाकी मेंबर को मिला उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जो हिस्सा उसके ब्रदर को मिला, सिस्टर को मिला, पेरेंट्स को मिला, किसी और को मिला, क्लब होगा क्या? कोई प्रोविजन नहीं है। समझ में आ रही बात? तो दिस इज अ सेक्शन 64-2। यहां तक समझ में आया? अब मेरे को यह बताओ आप कि जब इसको एसेट मिली थी तो इस एचयूएफ के हैंड में 56-2-10 के बारे में क्या सोचते हो आप? कुछ मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले तो बताओ भैया। एचयूएफ एक पर्सन है कि नहीं? और पर्सन को एक ऐसे फ्री में मिल गई ना गिफ्ट, तो उसके हैंड में 56-2-10 क्यों नहीं सोच रहे भाई? सोचो ना। हाँ जी, तो उसके एचयूएफ के हैंड में चार्जेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एचयूएफ के केस में उसके हर एक मेंबर को माना जाता है रिलेटिव। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव याद है? रिलेटिव के डेफिनेशन में इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन होते हैं वो तो पढ़े हमने, और एचयूएफ का रिलेटिव कौन होता है? उसके मेंबर। ये ध्यान आ रहा है? तो हर एचयूएफ के लिए उसके मेंबर को क्या माना जाता है? रिलेटिव। इसलिए इस रिलेटिव से जो इसको एसेट मिली है वो 56-2-10 को एप्लीकेबल नहीं होने देगी। अच्छा, किस पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जो दोनों चैप्टर हमने पढ़ लिया, इसको आप दोनों लाइन से आप चेक करेंगे तो एक अलग लेवल की आपका एक फ्लेवर आएगा इसमें समझने का। 56-2-10 कल पढ़े थे, याद है कि नहीं? हाँ, फटाफट कनेक्ट ही तो करना है, सीधा सीधा तो पढ़ ही लिए, तो उसको भी रिकॉल करना है, कनेक्ट करना है, उसको रिकॉल करना भी या तो काम की चीज है, तो आपके यूनिक क्वेश्चन भी बनेंगे एग्जाम में। अच्छा, एक बात बताओ,
ये एसेट की जो एसेट दिया जा रहा है एचयूएफ को, ये अगर हाउस है तो इससे होने वाली इनकम क्लब होगी कि नहीं होगी? बता नहीं रहे हो, इजी क्वेश्चन है। कितने लोगों को लगता है क्लब होगी? एक, दो, तीन, चार। कितने लोगों को लगता है क्लब नहीं होगी? बस, बाकी लोग को कुछ नहीं लग रहा है। सर चल क्या रहा है ये तो बताओ। ऐसा लग रहा है तभी तो कुछ ये नहीं है। अरे यार सब तो पढ़ लिए, मैं तो कल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूरी चीज पढ़ लिए। मैंने केवल यह एसेट वर्ड की जगह हाउस डाल दिया तो ऐसा क्या घबरा गया? भूत बंगला थोड़ी दे दिया, जो हाउस दिया है भाई, अपने नाम का जो घर था वो एचयूएफ को दे दिया। क्यों नहीं क्लब होगा? हर एक एसेट की इनकम क्लब होती तो हाउस दे दिया तो क्यों नहीं होगा? मैं केवल घुमा रहा हूं, घूम रहे हो भैया। 27 तो यहां लागू होता ही नहीं ना, 27 के डर है ना, नहीं समझ में आ रहा। 27 तो यहां लागू होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो लागू होता है जब एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को या पार्टनर को एसेट देता है, बाकी तो लागू होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या डर है 27 का? तो क्यों नहीं होगी क्लबिंग? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है छोड़ो, ज्यादा हो गया लगता है। बताऊं कि नहीं ये सब? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अपन हेड सेल एचपी हेड कर लिया और अदर सोर्स है ना, ठीक। सैलरी हेड कर लें क्या? ठीक, पहले सैलरी नहीं करते, पहले मैं डिडक्शन कराता हूं आपको। सैलरी देखते हैं, थोड़ा लेट करते हैं, क्या है कि बहुत इजी है वो, वाकई में इजी है। देखिए कॉन्सेप्चुअली इजी है, हो सकता है कि उसको लर्न करना, याद करने में थोड़ी सी मशक्कत होती है। दोनों में बहुत फर्क है, कॉन्सेप्चुअली टफ होना, और जब तक आप ये सेग्रीगेट नहीं करेंगे ना तो आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। दुश्मन किस टाइप का है अगर आपको पता नहीं तो आप उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सैलरी हेड को टफ है बोला तो आप टफ चीजों को जैसे हैंडल करते वैसे हैंडल करना शुरू कर दोगे। वो टफ तो है ही नहीं, वो तो सीधा सीधा विच एवर लोअर कॉन्सेप्ट चलता है उसमें। ये तीन निकालो जो लोअर एग्जम्पशन दे दो, ये चार निकालो उसमें जो लोअर एग्जम्पशन दे दो, वो रटना है। तो जब ऐसा हमको पता लगता है ना कि ये जो है ना रटने वाला है, तो उसमें रिपीटेटिव टेक्निक यूज की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। जब कॉन्सेप्चुअली रहता है ना तो वहां पर डिस्कशन टेक्निक यूज की जाती है कि यार चलो यार दो जन बैठ के इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो किस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये हमको पता होना चाहिए। चलिए तो मैं डिडक्शन लेता हूं तो थोड़ा सी एक सेट होगा माइंड। डिडक्शन भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है इसमें। डिडक्शन को हम बोलते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U, सही बात है, या इसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये भी बोल सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कल ही बताया मैंने आपको, ये मैक्सिमम लिमिट किसकी है? 80C की बात कर रहा हूं कि 80U की बात कर रहा हूं? ओवरऑल है एडजस्टेड GTI, और एडजस्टेड GTI का भैया सीधा मतलब है जितनी स्पेशल इनकम आप जानते हो ना उसको GTI से आप हटा दो। पहले तो ये बताओ स्पेशल इनकम GTI में शामिल रहती है कि नहीं रहती? बिल्कुल, तो कोई ना कोई हेड में ही आएगी ना भाई, तो उसे हटा दो तो वो बन गया आपका एडजस्टेड GTI। और आपकी डिडक्शन जो है ओवरऑल डिडक्शन आप इनर कॉलम में निकाल लीजिए, लेकिन इस लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं जनरेट कर लूं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग यहीं पर फंस जाते हैं, निकालते हैं और पूरा बाहर निकाल के माइनस करके आ जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल जनरेट कर लूं तो मेरे पास कैपिटल गेन हेड में
ट्रिपल वन ए की इनकम है 1 लाख रुपए, 112 की इनकम है 2 लाख रुपए, आईओएस में मेरे पास विनिंग इनकम है 4 लाख रुपए, और मेरे पास पीजीबीपी की इनकम है मेरे पास से 5 लाख रुपए, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 12 लाख आ गई. और मैं जब डिडक्शन निकालने जाता हूं तो एटीसी निकालता हूं, एटीयू निकालता हूं, डी निकालता हूं, ई निकालता हूं, सब निकालता हूं, और सबका टोटल जब मैं करता हूं तो सबका टोटल इलिजिबल टोटल मेरे पास आ जाता है मान लो 7 लाख रुपए. तो क्या मैं 7 लाख माइनस कर दूं? नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है एडजस्टेड जीटीआई, मतलब 12 लाख में स्पेशल इनकम. ये पूरी स्पेशल इनकम है, ध्यान से देखिए. तो पूरी माइनस करेंगे तो वापस 5 ही पहुंच जाएंगे. 5 लाख से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती. दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि डिडक्शन केवल अदर देन स्पेशल इनकम पे मिलती है. तो रेस्ट्रिक्टेड टू 5 लाख, और फिर आएगा आपका टोटल इनकम कितनी आएगी? 7 लाख. सही है कि नहीं? और ये जो बचा हुआ पैसा है, जो माइनस नहीं हो पाए 2 लाख, उसका क्या करेंगे? हाँ जी, लैप्स हो जाएगा. इसको कैरी फॉरवर्ड मत कर देना, क्योंकि इसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई प्रोविजन नहीं है. इलेप्स हो जाएगा. ठीक है, अब आप अपने क्लाइंट का खूब सारा इन्वेस्टमेंट कराते गए यार, और डिडक्शन मिलेगी, वो फायदा ही नहीं हुआ. आपने अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट जबरदस्ती 2 लाख का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करा दिया उससे, ठीक है. तो हमको पता होना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट कराना है क्लाइंट का, ताकि डिडक्शन मैक्सिमम ले सके वो. ये स्टोरी समझ में आ गई. अब हम चलते हैं एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहला सेक्शन क्या है? ATC. भैया देखो, ATC जो है ना, वो कई सारे इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर के संबंध में मिलता है. कई सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर कंट्रीब्यूशन के संबंध में मिलता है. तो जो भी इलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, उन सब की आपको डिडक्शन ATC में मिल जाएगी. कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल HF कोई भी कर सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट केवल इंडिविजुअल कर सकता है. उसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है LIP, जो आता ही है. और इसमें क्या खास आपको पता रहना चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अच्छा एक बात बताओ, प्राइमा फेसी प्रोविजन क्या है? इन्वेस्टमेंट किसके नाम से होना चाहिए? नॉर्मली, मैं LIP की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट किसके नाम से होगा? तो डिडक्शन SSC के नाम से, और किसी के नाम से नहीं. आप असेसमेंट किसका कर रहे हो? SSC का. तो नॉर्मल गोल्डन रूल है कि भैया हर इन्वेस्टमेंट SSC के नाम से होगा, तभी SSC को बेनिफिट मिलेगा, अनलेस अदरवाइज गिवन. क्या बोला मैंने? अनलेस अदरवाइज गिवन. तो LIP के लिए अनलेस दिया है, अदरवाइज दिया है, इसलिए हम बात करते हैं. कभी कुछ नहीं दिया है तो किसके नाम से करना है? SSC के नाम से. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो LIP का जो लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए SSC ले सकता है, मिस्टर ए है. तो मिस्टर ए किसके नाम से पॉलिसी ले सकता है? खुद के नाम से भी ले सकता है, स्पाउस के नाम से भी ले सकता है, चिल्ड्रंस के नाम से भी ले सकता है. ठीक है, माइनर चिल्ड्रन नहीं लिखा है, किसके नाम से ले सकता है? चिल्ड्रन. मेजर चिल्ड्रन के नाम से भी ले सकता है. ठीक है, पेरेंट्स के नाम से ले सकता है क्या? नहीं, पेरेंट के नाम से लेगा तो यहां एलिजिबल नहीं होगा. तो इनके नाम से पॉलिसी ले सकता है, और जो भी पॉलिसी पे प्रीमियम देगा वो प्रीमियम यहां पर एलिजिबल हो जाएगी. लेकिन उसकी रेस्ट्रिक्शन है, करंट रेस्ट्रिक्शन है कि जितने की पॉलिसी है उसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड. जितने का आपने इंश्योरेंस कराया उसका कितना परसेंट मैक्सिमम प्रीमियम है? करंट रेट 10% से ज्यादा प्रीमियम यहां पर एलिजिबल नहीं होगा. हालांकि पहले 20% भी था. किस डेट के पहले वाली पॉलिसी पे 20% था? हाँ जी, 1/4/2012 या उसके बाद की पॉलिसी पे रेट 10% है भाई. 1/4/2012 या उसके बाद अगर पॉलिसी इश्यू हुई तो 10%, उसके पहले ये रेट था 20%. पहले इसको अलग कर लेते हैं, समझ में आ रही बात. लेकिन 1/4/2013 से हालांकि 10% हो गया, लेकिन अगर किसी डिसेबल पर्सन के लिए पॉलिसी लेंगे तो 10 की जगह मिलेगा 15. ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूछते ही है इन लोग, और अच्छा डिप में जाके पूछते हैं, समझ रहे हैं? अगर इसे ऊपर है तो फिर हटा देना है। ये हो गया एक एग्जांपल, एटीसी के इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल। और भी कई एग्जांपल है, 5 साल का एफडी कीजिए आप एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए, आप बच्चों के ट्यूशन फीस का पेमेंट कीजिए, पीपीएफ में पैसे जमा कीजिए, सही है? आपने हाउसिंग लोन ले रखा है ना, अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर किसी फ्रेंड से हाउसिंग लोन लिया है तो यहां नहीं आएगा। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है और वो हाउसिंग लोन पे जो आपने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया, इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलेगा एचपी हेड में, तो जो प्रिंसिपल रिपेमेंट करेंगे वो भी यही इलिजिबल होगा। तो जितने भी आपने इलिजिबल इन्वेस्टमेंट किया उसका टोटल कर लीजिए भैया, और वो जो टोटल अमाउंट है उसकी मैक्सिमम लिमिट यहां पर दी हुई है, बताइए 1,50,000 पक्का, 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। और कंडीशन है क्या कुछ? और कुछ कंडीशन है? पीपीएफ हो गया, 5 ईयर एफडीआर हो गया, और कुछ खास बात और भी आप चेक कर लीजिएगा, ये सब इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद अगला सेक्शन है 80CCC। 80CCC में अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने कोई पेंशन प्लान लिया है, पेंशन प्लान, तो उस पेंशन प्लान का भी तो प्रीमियम दोगे ना भैया आप, तो वो जो प्रीमियम दोगे वो प्रीमियम मैक्सिमम अप टू रुपीस, बताइए किसी को पता हो तो, 1.5 लाख तक आपको यहां 80CCC में डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये प्रीमियम किसका है? पेंशन प्लान का। लिमिट कितनी है? 1.5 लाख, ठीक है। और फिर है 80CCD। 80CCD में यहां पर भी पेंशन प्लान है, यहां भी पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? सुन लो, यहां पर जो कंफ्यूजन कहां होता है, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान लिया आपने, और यहां पर कोई एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर कोई पेंशन फंड बना रखा है, और उस पेंशन फंड में एम्प्लॉयर भी पैसा जमा करता है और एम्प्लॉई का भी पैसा, जैसे प्रोविडेंट फंड में नहीं होता, एम्प्लॉई का भी पैसा जमा करवा रहा है, उस पेंशन फंड की बात चल रही है। तो मेरे को बताओ, यहां पर जो पैसा, अब ये एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है भाई, अदर देन गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो यहां पर जो पेंशन जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी डिडक्शन की बात चल रही है। तो यहां डिडक्शन कितनी मिलेगी? पहले तो डिडक्शन तो बाद में करेंगे, मैं पहले सैलरी हेड बता देता हूं। जितना भी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वो तो ठीक है, वो तो उसी का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूशन को उसके सैलरी हेड में जोड़ दिया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में कौन कौन जमा कर रहा है? एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा है, एम्प्लॉई भी जमा कर रहा है। तो पहले तो आपको वहां से बात समझ में आनी चाहिए कि इस फंड किसका है? एम्प्लॉई का। तो एम्प्लॉयर जो भी जमा कर रहा है वो एक प्रकार से एम्प्लॉई का ही तो बेनिफिट हो रहा है। तो दैट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पेंशन फंड विल बी फर्स्ट एडेड टू द सैलरी। आप सैलरी हेड का आज जाके देखना, सेक्शन 17(1) सैलरी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है वहां पर। यहां से सोचना चाहिए तक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जुड़ तो गया, लेकिन उसे नुकसान कुछ नहीं होता, क्योंकि ATCCD है। ATCCD क्या करता है? ये दोनों कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन, दोनों की डिडक्शन दे देता है। सैलरी हेड में केवल एक जुड़ा, लेकिन डिडक्शन किसकी मिलेगी? दोनों के, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिलेगी एम्प्लॉई को, और एम्प्लॉई खुद के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिलेगी। जुड़ता एक है, डिडक्शन मिलता है दोनों। बस एक रेस्ट्रिक्शन यह है कि वो जो दोनों का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और यहां सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस विच इज फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड कमीशन एट फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर, सैलरी का ये मतलब है। ये सैलरी हेड में एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे, बट आपको कनेक्ट करना चाहिए यहां पर जब आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि जब आप डिडक्शन पढ़ते हो तो सैलरी हेड पढ़ लिए रहते हो, ठीक है ना।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या समझना है, ये तो एकदम प्लेन बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा तकलीफ देता है, ध्यान से सुन लेना, सिंपल है हालांकि। 80 CCD पढ़ रहे हैं अपन, इसमें किसकी डिडक्शन मिल रही है, एम्प्लॉई की, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिल रही है सब्जेक्ट टू 10% चेक करेंगे, और किसकी डिडक्शन मिल रही है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिल रही है, ठीक है भाई। और जो एम्प्लॉईज का कंट्रीब्यूशन है ना वो है सेक्शन 80 CCD 1, ये है 80 CCD 2, समझ रहे बात को, और एक सेक्शन इसमें बना हुआ है 80 CCD 1B। ये क्या है, अगर ये पेंशन गवर्नमेंट का पेंशन फंड है, न्यू पेंशन स्कीम या गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम, सुना है आपने, तो अगर ये पेंशन प्लान जो है वो गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है जिसको बोला जाता है एनपीएस, क्या बोला जाता है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या पेंशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जो भी बोला जाएगा, तो उस केस में 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलेगी, एडिशनल डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो। पॉइंट समझ में आ रहा है, एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, तो ये एडिशनल डिडक्शन क्या काम आएगी भाई, आपके ये काम आएगी कि ऊपर अगर रेस्ट्रिक्ट हो गया है तो आप उसको जितना एक्स्ट्रा है वो आप यहां डिडक्शन ले सकते हो, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन प्रायोरिटी इसको देना चाहिए, पहले एडिशनल डिडक्शन ले लेना चाहिए, प्रोविजन तो ऐसा नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि एक और सेक्शन है 80 CCE, जो क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है कि सेक्शन 80 CCC + 80 CCD 1, इन सब की मिलाकर रिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये जो डिडक्शन है इस पे 80 CCE का लिमिट लागू नहीं होता, कुछ समझ में आ रही बात, तो जब लिमिट लागू नहीं होता तो जबरदस्ती ऊपर ले जाकर लिमिट पे क्यों जाना, सबसे पहले अगर आपका 10% से ऊपर जा रहा है तो पहले क्या करो, आप 80 CCD 1B में आप ले लो 50 की लिमिट, फिर बचता है तो वहां चेक कर लो, पॉइंट समझ, ठीक है। तो 80 CCE क्लियर हुआ, तो यहां तक जो मैंने डायरेक्शन बनाए इट्स अ सिंगल लॉबी, ये एक अलग सेगमेंट है, फिर सेगमेंट ही बदल जाता है। तो कौन कौन से सेक्शन सीखा हमने, ध्यान रखना, एज आई फील कि 80 CCE में आने में तकलीफ होती है और ज्यादा एफर्ट लगाना है, एटीसी में कोई दिक्कत नहीं होती, 80 CCD को थोड़ा एफर्ट लगाकर क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से सीखना, डाउट होगा तो फिर डिस्कशन लेवल पे लेके जाना, पूरे डिडक्शन चैप्टर में 2 या 3 एरिया जिसमें आपको डिस्कशन करके बाहर निकलना है, ठीक से बाहर निकलना है, बाकी तो सब रट्टा मारना है, रट्टा मारने में किसी की जरूरत नहीं, आपको रिपीटेटिव पढ़ाई करनी है बस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन की, अगर प्रोविजन ठीक ठाक देख भी लिया है ना आपने, तो रिविजन स्टार्ट इनकम टैक्स का सीधा क्वेश्चन से होता है, प्रोविजन से नहीं होता, स्टार्ट विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाते जाओ, जहां डाउट आ रहा है उसके लिए देख लो भले, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद फिर प्रोविजन देखोगे तो एकदम फटाफट फटाफट खत्म होगा, कैसे पढ़ते हैं समझ में आ रहा है, पहली बार ऐसा नहीं पढ़ सकते करके ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, अब पढ़ सकते हो आप, ठीक है। हाँ, एक बार टच कर ली, हाँ भाई मोटा मोटा समझ में आ गया, क्वेश्चन से शुरू के 2-3 क्वेश्चन तक बार बार प्रोविजन में जाना पड़ सकता है, 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ रहे। कौन कौन से सेक्शन देख लिए अभी तक आपने, मैं लिख रहा हूं 80 CCE 80 CCD और 80, मैं यहां पर 1, 2 और 1B लिख देता हूं तो समझ में जल्दी आएगा, और 80 CCE ये रेस्ट्रिक्ट करता है किसको, ये तीनों को रेस्ट्रिक्ट करता है, समझ में आ रही बात। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, अगला सेक्शन हमारे पास है सी सीरीज खत्म हो गई है, अगला सेक्शन है डी सीरीज वाला, 80D।
ये है मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के बारे में और कुछ खास स्थिति में मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में और कुछ केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के एक्सपेंडिचर के बारे में, तीन चीजों के बारे में है ये, ठीक है। जो 80D है बेसिकली इसकी दो लॉबी है, ठीक है। क्या लॉबी है भाई? इसकी लॉबी है मेडिकल इंश्योरेंस जो है, दो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है इसमें। एसएससी से मिस्टर ए है वो अपने लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर, हाँ जी, डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए। मेजर हुआ तो भी चल सकता है, डिपेंडेंट लिखा है, माइनर नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? अब एमसीक्यूज में यहां छोटी छोटी चीज में शायद फंसा सकता है। इनके लिए पॉलिसी ले सकता है। और एक लॉबी बनाई उन्होंने पेरेंट्स की। तो मिस्टर ए हमारा एसएससी है, ये खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए या पेरेंट्स के लिए ये सब खर्चे कर सकता है। दो लॉबी अलग अलग है, दोनों की लिमिट अलग अलग है, ऐसा समझ लो आप। क्या क्या खर्चे हैं भाई? सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल प्रीमियम की। मेडिकल प्रीमियम, ठीक है, मेडिकल प्रीमियम। और हम बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस की। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है किसका, किसका, सीनियर सिटीजन का, पहले वेरी सीनियर सिटीजन था प्रोविजन, किसका, सीनियर सिटीजन का जिसका कोई भी मेडिकल पॉलिसी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ऐसे बंदे का ट्रीटमेंट हो रहा है इनमें जो कि सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग द एज ऑफ 14 वाला समझ में आया कल, ठीक है, 1459। तो उसका मेडिकल एक्सपेंस मतलब मेडिकल प्रीमियम भी ले लूंगा मैं, मेडिकल एक्सपेंस भी ले लूंगा, लेकिन मेडिकल एक्सपेंस कभी लूंगा जब ट्रीटमेंट किसका हो रहा है, एक सीनियर सिटीजन का और जिसके कोई भी मेडिकल पॉलिसी नहीं है। और तीसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट करा लिया हमने, सब सैंपल्स देके चेक करा लिया, प्रिवेंटिव, कोई बीमार नहीं पड़े लेकिन हम साल साल हर साल अपना चेकअप कराते हैं तो उसके लिए हम खर्च करते हैं, तो यह प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इन खर्चों के बारे में है ये। और इन खर्चों पे आपको जो डिडक्शन मिलेगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे इंडिविजुअल लिमिट है, हाँ जी, 5,000। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों का मिलाकर 5,000 इंडिविजुअल लिमिट, समझ रहे हैं। और ओवरऑल जो है ना वो लिमिट है, ओवरऑल लिमिट कितनी है, 25,000। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000। कौन सीनियर सिटीजन? जिसके लिए आप खर्च कर रहे हो, जिसके लिए पॉलिसी लियो, ठीक है, लिमिट है ये। फिर से सुन लेना, 80D थोड़ा सा तंग करता है। 80D में तीन खर्चों के बारे में बात किया गया है, कौन कौन सा, प्रीमियम, मेडिकल ट्रीटमेंट इन खास केस में और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन ऑल केसेस। इन खर्चों पे सबसे पहले तो इंडिपेंडेंटली लिमिट मैंने लिख दिया 5,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सब मिलाकर 5,000 से ऊपर नहीं हो सकता, पहले क्लियर कर लो। लेकिन वो तो इंडिविजुअल लिमिट है, ओवरऑल भी ध्यान रखना, इन तीनों का खर्चा मिलाकर किससे ऊपर नहीं हो सकता, 25,000 से ऊपर नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये खर्चे सीनियर सिटीजन के लिए किए जा रहे हैं तो 50 की लिमिट कर दिया उन्होंने। पॉइंट क्लियर? और ये सेम लॉबी यहां पर फिर से बनेगी, 1, 2 और 3 पेरेंट्स के लिए, तो फिर से उनको 25,000 या 50,000 की फिर से यहां लिमिट अलग से मिलेगी, दो लिमिट। और ये दोनों लिमिट में ध्यान क्या रखना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा इन दोनों को मिलाकर 5,000 से ऊपर जाने नहीं देना है, ओवरऑल लिमिट पे इंडिविजुअल ये ध्यान में रखते हुए करना है। हो गया प्रोविजन खत्म, समझ में आ रही बात? और ध्यान ये रखना कि ये चेक से पेमेंट करना, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैसा आप कैसे भी दे सकते हो। 80D पे थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए
जो भी सेक्शंस हैं ना, तीन चार एरिया मैंने बताया, इसमें तीन चार एरिया ये है जिसमें थोड़ा सा हमको संभल कर कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस आता है, वहाँ कॉन्फिडेंस जनरेट होने के बाद ये सेक्शन, ये चैप्टर ही कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश किया कि आपको पिक्चराइज करा दूं कि भाई इस तरीके से है ये एटीडी। एटीडी के बाद, हाँ जी, एटीडी के बाद है सेक्शन, देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन रिवाइज ही तो कर रहे हैं। एटी डबल डी, बिल्कुल ठीक बात है, एटी डबल डी। बताइए भैया एटी डबल डी क्या है? एटी डबल डी है, अगर कोई एसएससी, खास बात इसमें है लिखा है रेसिडेंट, एक नया खास चीज, ये किसके लिए? केवल रेसिडेंट एसएससी के लिए, और रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ ने अगर अपने किसी डिपेंडेंट रिलेटिव्स को, जो इसमें दिया हुआ है उसको अगर मेंटेन कर रहा है, डिपेंडेंट रिलेटिव वो कौन है? वो डिसेबल है। मतलब एक सीधा सीधा लेता हूं मैं, एक रेसिडेंट है, मान लो मिस्टर एक्स है, और इसका कोई रिलेटिव है जो यहां दिया हुआ है, ठीक है, और जो क्या है, डिसेबल पर्सन है, डिसेबल है, इसको क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। तो इसके मेंटेन करने में, नर्सिंग में, मेडिकल में जो भी खर्च हो, इररिलेवेंट, अगर केवल मेंटेन कर रहा है, वॉट एवर विल बी द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसको सीधे तौर पर रिडक्शन मिल जाएगी 75,000। और अगर वो जो डिसेबल पर्सन है वो सीवियर डिसेबिलिटी है उसको 80% और मोर, तो उस केस में लिमिट मिल जाएगी 1 लाख, सॉरी लिमिट नहीं, फिक्स डिडक्शन मिल जाएगी 1,25,000। मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं फिक्स, क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? क्योंकि अकेला सेक्शन है, यह अकेला सेक्शन है, एक एटीयू भी है ये, और एटीयू जहां पर क्या खर्च कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं देखा जाता है। देर इज अ फिक्स डिडक्शन ऑफ आइदर 75,000 और 1,25,000। क्लियर है पॉइंट? और ये किसको मेंटेन कर रहा है? डिसेबल तो है, किसको मेंटेन कर रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है ये मेंटेन कर रहा है, हाँ जी बताइए, डिपेंडेंट। देखिए नॉर्मल जो रिलेटिव माइंड में तो आएंगे ही ना, कौन कौन है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल हु इज डिपेंडेंटली, डिपेंडेंट होली ऑन मेनली फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, डिपेंडेंट होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? और अगर ये एसएससी हमारा एचयूएफ है तो फिर किसके लिए, किसको मेंटेन कर रहा है? एनी मेंबर। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 80 डबल डी बी। देखो भैया 80 डी में था प्रीमियम वगैरह था, ट्रीटमेंट भी था कुछ खास केस में, 80 डबल डी में मेंटेन कर रहे हैं हैंडीकैप्ट को, और 80 डबल डी बी में कुछ खास स्पेसिफाइड डिसीज का क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, और उस ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल रही है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। समझ में आ रही बात? किसका ट्रीटमेंट हो रहा है? एसएससी का खुद का हो सकता है। किसका ट्रीटमेंट हो रहा है? मे बी मिस्टर एक्स, मे बी अवर एसएससी, और उन लोगों का भी ट्रीटमेंट इसमें कवर है जो कि 80 डबल डी में दिए हुए थे। तो कौन कौन का ट्रीटमेंट हो सकता है भैया इसमें? ट्रीटमेंट हो सकता है हिमसेल्फ, हिज स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, लेकिन होने चाहिए इसके डिपेंडेंट। ये वही लोग हैं जो 80 डबल डी में दिए, मतलब उन पार्टीज को आप दोनों पे बैच कर सकते हो। लेकिन कौन से, इसमें डिडक्शन फिक्स नहीं है भैया, इसमें उस स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो आपने खर्च किया है ना उसकी डिडक्शन मिलती है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट। वो लिमिट की बात करना है बस अपन को, पॉइंट समझ में आ रहा है? और वो लिमिट कितनी है? द लिमिट इज नॉर्मली 40,000। कितनी लिमिट है? 40,000। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो लिमिट हो जाएगी 1 लाख। सीनियर सिटीजन है तो लिमिट हो जाएगी 1 लाख / 1 लाख।
चेंजेस हुआ है थोड़ा सा, जो ओल्ड स्टूडेंट ध्यान दे। कितनी लिमिट है? 40,000, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 लाख। शायद पहले प्रोविजन वेरी सीनियर सिटीजन का भी था। ये जितनी चीजें मैं बात कर रहा हूं ना, सब अमेंडमेंट शीट में चैप्टर वाइज है, आप इसको शांति से एक एक चैप्टर देखेंगे तो दिखते चले जाएंगे ना। लेकिन अगर इन्होंने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो आप पहले डिडक्शन निकाल लो जितनी आना है, निकल जाने के बाद कैसे निकालो डिडक्शन? एक्सपेंडिचर वर्सेस दिस लिमिट विच एवर इज लोअर, डिडक्शन आ गई। उसके बाद जितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रियम्बर्स जितना मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से रियम्बर्समेंट मिला उसको क्या कर देना? माइनस, और माइनस करने के बाद ही डिडक्शन मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कौन सी लॉबी होगी? 80D, DD, DDB। पहले कौन सी लॉबी की है? CCCC, CCD, CCE, सही है ना, और DDD, DDB। यहां पर भी रिलेटिव है ना, रेसिडेंट है ना, जहां पर दो डी है ना वहां रेसिडेंट है, देखना आप। एक डी डोमेस्टिक के लिए ना, और एक डी डिपेंडेंट के लिए, अपने आप याद हो जाएगा। सोच के देखो मैंने क्या क्या बोल दिया अभी अभी। दो डी है तो एक डी काय के लिए है? डोमेस्टिक, मतलब रेसिडेंट के लिए है, और एक डी काय के लिए? डिपेंडेंट। दोनों में देख लो डिपेंडेंट वर्ड है, समझ रहे बात को? तो भूल हो ही नहीं सकती। और डी फॉर डॉक्टर तो है ही, मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो याद हो जाएगा। तो सी वाली लॉबी हो गई, सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डॉक्टर। अब आ गया डी के बाद, ये तो कोई सेक्शन ही नहीं है। 80E, ई फॉर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, हाँ जी, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, किसके हायर एजुकेशन के लिए? SSC खुद के हायर एजुकेशन के लिए, या स्पाउस के हायर एजुकेशन के लिए, या चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए, या किसी भी चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए जिसका वो SSC लीगल गार्जियन है, इनका एजुकेशन के लोन लिया है, तो उस लोन के रिपेमेंट के समय जो इंटरेस्ट का फैक्टर रहेगा विदाउट एनी लिमिट डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट के फैक्टर की विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट है क्या वहां पर? कोई लिमिट नहीं है। टाइम की लिमिट है, कितना? 8 साल। कितना? 8 साल, मतलब 8 साल तक ही डिडक्शन मिलेगी। तो यहां पर डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, कितने साल तक? 8 साल तक। किस पर्पस के लिए? हायर एजुकेशन। हाँ जी, इसके बाद सेक्शन है 80EE। 80EE कुछ नहीं है, 80EE जो है बहुत ही लिमिटेड पर्पस है। 80EE जो बताता है वो है इंटरेस्ट का डिडक्शन है जो कि लोन पर लिया गया है, टेकन फॉर रेसिडेंट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने अपने अगर हाउसिंग लोन लिया है और वो जो हाउसिंग लोन है किसी घर के लिए लिया, उसकी कंडीशन क्या है? आपने एक हाउस लिया और वो हाउस कितने का है? 50 लाख रुपए तक का है, उससे ऊपर का नहीं है। और जो लोन लिया है आपने वो 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 35 है ना, घर 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन कब एप्लीकेबल? और लोन 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और लोन लिया कब गया है मालूम है? लोन सेंक्शन हुआ है बिटवीन 1/4/16 से 31 मार्च 17 के बीच में लोन सेंक्शन हुआ था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है बड़के की डिडक्शन नहीं देना चाहते ये, लेकिन प्रोविजन है करके पढ़ रहे हैं। लोन मतलब ऐसा भी हो जाना चाहिए था, वैसा भी हो जाना चाहिए था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा लगता है नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही प्रोविजन निकल आया था। यहां पर लोन सेंक्शन हुआ हो, इतने का घर हो और इतने से ज्यादा लोन न लिया हो, इस केस में जितना भी आप उस हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट का पेमेंट किए हैं और उसमें से जितना इंटरेस्ट सेक्शन 24 में आपको अलाउ गया उसको हटाने के बाद जो अमाउंट आएगी, समझ में आया बात, उसकी डिडक्शन मिलेगी। और उसकी भी मैक्सिमम लिमिट है जो डिडक्शन मिलेगी,
उसकी भी मैक्सिमम लिमिट है, कितनी है? 50,000। ऐसा है, चेक कर लेना, थोड़ा यूनिक टाइप का है, ज्यादातर नहीं पूछा जाता, बट पूछ देगा तो फिर बहुत ही रेयर लोग बनाएंगे। अगला सेक्शन है 80G। 80G बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है क्वेश्चंस में। 80G को याद करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सीधी सी बात है, चार लॉ भी बनाना है। ये है डोनेशन के लिए। आपको मालूम है कि ये सेक्शन किसको मिलता है डिडक्शन? ऑल एसएससी, कोई भी एसएससी डोनेशन देगा तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहां डोनेशन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, काइंड में डोनेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। आपने गरीबों को कंबल बांट दिया, आपको डोनेशन तो दिया है लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को सामान दे दिया, भंडारा हो रहा था उस चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो आपने वहां पर तेल के 10 पीपे भिजवा दिए, तो ये सबसे डोनेशन तो है लेकिन 80G में नहीं आता। क्या आता है? मॉनेटरी डोनेशन आता है। और वो मॉनेटरी डोनेशन भी अगर 2,000 रुपए से ज्यादा है, अगर 2,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर उसको कैश में पेमेंट करेंगे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बेसिक कंडीशन हो गई, समझ में आ गया। और जितने भी डोनेशन दिया है उसकी चार लॉ भी है भैया, कैसी भी कैटेगरी बना दो, मैं इसको A1, A2, B1, B2 बोल देता हूं, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो रेलवे का कंपार्टमेंट हो गया तो 1, 2, 3, 4 कर दो, है ना। तो चार कैटेगरी में आपको बांटना है, और चार कैटेगरी में जो पहले कैटेगरी में आता है, जैसे उसमें नेशनल डिफेंस फंड आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसमें कई यूनिवर्सिटी आती है, ऐसे कई सारे, उनको अगर आपने डोनेशन दिया तो विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट 100% डिडक्शन एलिजिबल। और अगर A2 कैटेगरी में आते हैं जिसमें सब गांधी नेहरू फैमिली ही आती है, ठीक है, जिसमें नाम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, द प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड एंड राजीव गांधी फाउंडेशन, तो इन पे विदाउट एनी चेकिंग सीधा 50% रिडक्शन मिलता है। और B1 कैटेगरी और B2 कैटेगरी, मतलब B कैटेगरी की, पहले तो हमको एक मैक्सिमम लिमिट चेक करनी पड़ेगी। B1 प्लस B2 मतलब B कैटेगरी के लिए मैक्सिमम लिमिट है, बताइए कितना है? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। और ये वो एडजस्टेड GTI नहीं है जो आपने शुरू में पढ़ा था, समझ में आ रही बात। यहां पर एडजस्टेड GTI का मतलब है GTI माइनस ऑल स्पेशल इनकम एक्सेप्ट विनिंग। ध्यान रखना, इसमें कुछ और विजन भी रहता है कुछ बुक्स में, एक्सेप्ट विनिंग, विनिंग को माइनस नहीं करना जबकि वहां करते हैं। एंड 80G को छोड़कर बाकी जितने भी डिडक्शन है उसको भी माइनस करना है। इसका मतलब 80G की डिडक्शन कब निकालना है? सबसे आखिरी में, क्योंकि बाकी डिडक्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर से सुन लो, एडजस्टेड GTI का मतलब क्या है? GTI माइनस ऑल स्पेशल इनकम एक्सेप्ट विनिंग, मतलब 115BB, सही है ना, एंड माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G। ये माइनस करने पर जो फिगर आएगा उसका कितना परसेंट? 10%। और ये जो अमाउंट है क्या है? ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ बी कैटेगरी डोनेशन। मतलब अगर बी कैटेगरी में यहां पर 5 लाख का आपने डोनेशन दे दिया, यहां पर आपने 1 लाख का डोनेशन दिया, यहां पर आपने 2 लाख का डोनेशन दिया, और ये पूरा फिगर आ गया मान लो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ही डोनेशन माना जाएगा। टोटल डोनेशन बी कैटेगरी में कितना दिया बताओ? एक्चुअली 3 लाख, लेकिन लिमिट कितनी आई? 1.5 लाख। तो डिडक्शन कितनी यहां पर एलिजिबल होगी? 1.5 ही डोनेशन एलिजिबल होगा। अब इस डोनेशन में ये B1 कैटेगरी 100% वाली कैटेगरी है और B2 50% वाली कैटेगरी है, तो इस 1.5 में सबसे पहले तो मैं इसको एज्यूम करूंगा, तो इसका 1 लाख पे 100% कितना आ जाएगा? 1 लाख, और बचा कितना? 50। तो इस 50,000 पर कितना परसेंट? 50%, कितना आएगा? 25,000। 1,25,000 रुपए डिडक्शन यहां एलिजिबल होगा। ये एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा शायद, रेस्ट कैटेगरी को याद करना है, और उसमें भी मेनली A2, B1, B2 या सेकेंड थर्ड फोर्थ कैटेगरी को पहले याद कर लो, वन तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में पढ़ लोगे तो भी याद हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाओगे एक दो तो फिर याद होगा। 80G समझ में आ रहा है? डिडक्शन ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं ना यहीं तक के ज्यादातर आते, कोर्स में तो और भी है,
ज्यादातर यहां से तक ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो यहां तक थोड़ा वर्किंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। और 80G के बाद अगला सेक्शन है 80GG। 80GG जो सेक्शन है बेसिकली बनाया गया है कि अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको रेंट देना पड़ता है, और आपको आप कोई भी एचआरए का पेमेंट नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि एचआरए का पेमेंट मिलता है जिनको जो कहीं जॉब करते हैं और एचआरए मिलता है, तो उसके लिए सेक्शन 1030A में एक एग्जम्पशन बनी हुई है, तो उसके लिए 80G नहीं है, डबल जी नहीं है। तो 80GG किसके लिए है? जो रेंट का पेमेंट कर रहा है, किराए के घर में रह रहा है, और उसके नाम से कोई घर भी नहीं है, उसके स्पाउस के नाम से, बच्चों के नाम से, एचयूएफ के नाम से कोई घर नहीं है। भैया तुम्हारे नाम से घर है तो किराए घर में क्यों रह रहे हो? किराए घर में रह रहे हो इसका मतलब रह नहीं रहे हो, रहे तो अपने ही घर में रहो, किराए की केवल रसीद दिखा रहे हो हमको डिडक्शन लेने के लिए, ऐसा मानता है डिपार्टमेंट। और उसको एचआरए नहीं मिल रहा है, और दूसरा उसके नाम से ओन हाउस हाउस भी नहीं है, उसके नाम से भी नहीं है, उसके स्पाउस के नाम से भी नहीं, बच्चों के नाम से भी नहीं, एचएफ के नाम से भी नहीं है, सही है? तो ये डिडक्शन मिलेगी, और कितनी मिलेगी? अब ये क्वेश्चन है, डिडक्शन कब मिलेगी, समझ में आ गया? डिडक्शन मिलेगी कितनी अगर इसकी हम बात करें तो डिडक्शन मिलेगी, तीन अमाउंट निकालेंगे, 1, 2 and 3, विच एवर इज लोअर। पहला निकालेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई या एडजस्टेड टोटल इनकम, जो लिखना है लिख लो, लेकिन इसका ये वही मतलब है जो आपने सीखा 80G में। बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि जब उसमें चैप्टर 6 की डिडक्शन माइनस करोगे तो वहां एक्सेप्ट 80G था, या एक्सेप्ट 80GG आएगा, बस वो डिफरेंस आएगा। और दूसरी अमाउंट निकालना है, हाँ जी भाई, दूसरी अमाउंट निकालना है 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तीसरी अमाउंट निकालना है 5000 रुपीज पर मंथ, जितने महीने आप रेंट पर रहे। ये तीनों में जो विच एवर इज लोअर रहेगी वो मिलेगी डिडक्शन 80GG। एक या दो अटेम्प्ट पहले पूछ लिया था क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 80GGA। 80GGA बेसिकली क्यों बनाया गया, अगर आप इसको समझे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको शायद याद होगा कि पीजीबीपी हेड में कई सारी संस्थाओं को अगर हम पैसे देते हैं, एलिजिबल इंस्टीट्यूशन को या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, तो हमको वहां डिडक्शन मिलती, याद है? साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को देते तो सेक्शन 35 में डिडक्शन मिलती है, और कुछ स्पेसिफाइड जो नेशनल कमेटी ने अप्रूव कर रखा है उनको डिडक्शन देते हैं, तो वहां पर भी सेक्शन 35, शायद CCA, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं। तो वहां पर जो डिडक्शन मिलती है वो तो तभी मिलेगी ना जब आपके पास पीजीपीपी हेड में कोई इनकम होगी। अगर आप पीजीपीपी, आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तभी तो पीजीपीपी की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशन ही नहीं है बट स्टिल यू आर पेइंग टू दैट इंस्टीट्यूशन, बिजनेस है पे कर रहे हो, तो पीजीबीपी के वो सेक्शन की डिडक्शन सेक्शन 35 वगैरह की मिल जाती है आपको। लेकिन अगर आप उन संस्थाओं को डोनेशन दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई पीजीबीपी हेड की इनकम ही नहीं है, तो उस केस में फिर वो सेक्शन का फायदा मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप चार्जिंग सेक्शन में कवर ही नहीं हो पाओगे 28 में। तो इन लोगों के लिए सेक्शन बनाया है कि उन संस्थाओं को, कौन सी संस्थाएं, जिनके संबंध में सेक्शन 35 में, या फिर जिनके संबंध में सेक्शन 35 CCA में आप, या फिर सेक्शन 35 AC में, तीन सेक्शन जो कि पीजीबीपी से रिलेटेड है, उन संस्थाओं को आप डोनेशन देते हो लेकिन स्टिल यू हैव नो पीजीबीपी इनकम, तो ये क्या सेक्शन का बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो उनके लिए बनाए 80G का डिडक्शन मिल जाएगा 100% ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा इसको समझेंगे। और जब इसको पीजीबीपी से टैली करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सेक्शन किनको एप्लीकेबल होगा? जिनकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है बट वो पेमेंट इन संस्थाओं को कर रहे हैं। कौन सी संस्थाएं? जो एलिजिबल है पीजीबीपी के इन सेक्शंस में। 80GGA, 80GGA के बाद आता है सेक्शन 80GB। ये तो बहुत सिंपल है, 80GB और 80GC एक ही जैसा सेक्शन है। 80GB एंड 80GC बोलता है
डबल जी सी बोलता है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंट्रीब्यूशन किया तो आपको मिल जाएगा डिडक्शन 100%, लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन है वो नेचुरली कैश में नहीं होना चाहिए। एक सेक्शन बनाया है इंडियन कंपनी के लिए और बाकी सेक्शन अदर एसएससी के लिए, बस और कोई फर्क नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी। और फिर आता है सेक्शन 80JAA, कुछ सुना है क्या इसके बारे में? 80JAA, ये सेक्शन बनाया गया है कि अगर कोई एसएससी जिसका 44AB में ऑडिट होती है, कौन एसएससी 44AB में जिसकी ऑडिट होती है, याद है क्या सेक्शन? ठीक है, तो उसको डिडक्शन मिलेगी अगर वो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो उसको डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट। एम्प्लॉई कॉस्ट मतलब सैलरी बोल लेते हैं समझने के लिए, प्रोविजन में यही लिखा है। 30% ऑफ एडिशनल वर्ड क्यों लिखा है? एम्प्लॉई कॉस्ट मतलब सैलरी, एडिशनल क्यों लिखा हुआ है? एडिशनल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब नए एम्प्लॉई आप जनरेट करेंगे तो उनको जो सैलरी देंगे वो एडिशनल ही हुई, तो एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का 30% रिडक्शन मिलेगी, और वो भी कितने साल तक? 3 साल तक। ये एक बेसिक प्रोविजन है इसका। यहां से समझने के बाद फिर आपको डिप में जाना चाहिए कि एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाकी के क्यूक्यू भी आप देखना, मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है आज। 80QQB क्या है? रॉयल्टी की 3 लाख तक की रिडक्शन, ब्रीफ कर रहा हूं। 80RRB रॉयल्टी की इनकम में, उसमें भी 3 लाख तक की रिडक्शन, और फिर शायद 80U आ जाता है क्या? 80QQB 80RRB उसके बाद 80TT, हाँ वो तो खैर याद ही होगा। 80TTA क्या है? सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की डिडक्शन। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 3,500 रुपए तक के एग्जेम्पशन के साथ टैक्सेबल होता है। जितना भी टैक्सेबल होगा नीचे डिडक्शन मिल जाएगी। टू कितना? 10,000। बहुत ज्यादा यूज होता है, वैसे भी नहीं भूलते इसको। और फिर आता है 80TTB। 80TTB क्या है? डिडक्शन इन 80, ये शायद नया सेक्शन है ना भैया, पुराने स्टूडेंट को समझ लेना, मिल जाएगा 80TTB। ये एलिजिबल एसएससी सीनियर सिटीजन के लिए है, और आप जानते हैं सीनियर सिटीजन, और उनको डिडक्शन मिलेगी अगर वो उनको इंटरेस्ट मिलता है, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और 50,000, 100% ऑफ इंटरेस्ट इनकम, और 50,000, मतलब विच एवर इज लोअर बोल दीजिए, वो डिडक्शन मिलेगी। तो एक बार ये चेक कर लेना, इसको रिकॉल कर लेंगे अपन। एंड देन फिर आता है 80U। 80U है डिसेबल पर्सन को फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, वही 75,000 या 1,25,000। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या क्या देख पाए आज हम? कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस और क्लबिंग और डिडक्शन। डिडक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इस पे आपको वर्किंग करना है। कितने टाइम है आपके पास? 6 घंटे हैं, 5 से 6 घंटे हैं। ठीक है, क्या वाकई में कोई वैसा टाइम यूटिलाइज किया कल? आज का काम आज खत्म करो भैया, सस्ता पड़ेगा, समझ रहे बात को? और ये थकना वकना नहीं है हमको, हम सीए बन रहे हैं या बन गए, थोड़ी फॉर्मेलिटी बची है। ठीक है, बोर हो रहे हैं सर, थक गए हैं सर, टेंशन हो रहा है सर, ये आपकी डिक्शनरी से निकाल के फेंक दो, ये सब बर्बाद करने के रास्ते हैं या आपको प्रोटेक्ट करने के रास्ते हैं। लाइट गोल हो गई, थक गए हैं, फ्रेंड्स पढ़ने नहीं देते, हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, ये सब बहाने हम अपने आप को समझाने के लिए बताते हैं, भाई हम तो इस कारण से, हम तो पढ़ना चाहते थे। ये सब फालतू बात छोड़ दो, रिजल्ट चाहिए तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसा पढ़ना? एकदम एग्रेसिवली पढ़ना है, एकदम एग्रेसिवली पढ़ना है। ज्यादा दिन थोड़ी दिन पढ़ना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट में, ओवर एग्रेसिव होकर आप 7 दिन दे के देखो,
ओवर एग्रेसिव का मतलब 16-17 घंटे कोई ठिकाना नहीं है पढ़ाई का, समझ रहे हैं? ओवर एग्रेसिव होके 7 दिन किसी भी सब्जेक्ट जिसे डर लगता है ना, उसको 7 दिन दे दो आप, अंदर से आवाज आ जाएगी किसी का बाप फेल नहीं कर सकता इसमें, अपने आप आएगी, ऐसा लगेगा आपको, फील होने लग जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान रखना, 6 घंटा अगर कोई पढ़ता है, 6 घंटे से जब वो 8 घंटे पढ़ता है तो उसको तकलीफ होती है थोड़ी सी, 8 घंटे से जब 10 घंटा करता है तो तकलीफ और होती है, जब 10 घंटे से 12 घंटे करता है तो तकलीफ कम होना शुरू हो जाती है, अब रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया, और 12 घंटे जब 14 घंटे पढ़ाई करता है तो पूरी जीरो हो जाती है, फिर दिमाग में फालतू चीजें बचती च नहीं, लाइफ में कुछ फिर चलता ही नहीं है, फिर क्या चलता है, एक ही चीज चलती है, वो जो ये सब साधु महात्मा लोग सिखाते हैं ना, ध्यान में रहो, यही ध्यान है भैया, प्रैक्टिकल यही ध्यान है, आप बिल्कुल सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, आपको कोई थकान नहीं लगेगी, कोई बोर नहीं होगे, काम पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, इस एग्जाम जो है ना, इस एक साथ फुल फोर्स में ताकत मांगती है और मैनेजमेंट मांगती है, ये एग्जाम ना यहां पर खूब बड़ा पत्थर है भैया, जिसको 50 किलो के धक्के की जरूरत है तो ये गिर जाएगा, क्रैक हो जाएगा, और अगर आप इस को 10-10 केजी के 6 अगर आपने धक्के मारे तो टोटल 60 किलो का धक्का पड़ जाएगा, लेकिन पत्थर गिरेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप 6 बार 10 बार भी 10-10 किलो का धक्का मारेंगे तो भी ये पत्थर गिरेगा नहीं, आपको एक शॉट में 51 किलो का धक्का चाहिए, समझ में आ रही बात, तभी ये गिरेगा। इसी को बोलते हैं एग्जाम क्रैक करना, ये बात को समझ लेना, जो दूसरे अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा या अगली बार आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बी प्रैक्टिकल एंड बी पॉजिटिव, ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है, बचपन से ही मैं बी पॉजिटिव हूं, ठीक है, कल देखते हैं अपन, ठीक है, डाउट्स वगैरह कल ले लेना, मेरे को थोड़ा शादी में जाना है, ठीक है।